हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द आनंद वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो देता है आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कर चुके हैं, हम लोग कर चुके हैं पहले चैप्टर कौन सा, फुटप्रिंट विदाउट फीट का, क्या नाम था उसका, ट्रिप ऑफ सर्जरी कैसे क्या था, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समरी एनसीईआरटी। फिर हम गए थे हमारी पहली पोएम के ऊपर, क्या थी हमारी पहली पोएम, डस्ट ऑफ स्नो। समरी हो गई, हमारा ये वाला पार्ट हो गया था, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन विद ऑल पोएटिक डिवाइसेस समरी और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हो गए थे। उसके बीच के अंदर हमने एक वीडियो भी डाली थी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, आशा करता हूँ आप लोगों ने जरूर देखी होगी। और एक फैक्ट रोज आती है मेरे चैनल के ऊपर, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो अगर आपको कोई भी कैटेगरी पसंद आई हो। लेकिन आज हम आए हैं हमारे सेकंड नंबर चैप्टर किसका, फुटप्रिंट विदाउट फीट्स का। ठीक है, अगेन वेलकम यू ऑल टू द आनंद वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन। सेम तरीके से करेंगे, चैप्टर के बाद समरी, समरी के बाद एनसीईआरटी सॉल्यूशन, चैप्टर कर दूंगा मैं आपका एकदम चंगा, बस आप कर दो इस वीडियो के ऊपर जो भी राइम बनती हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर जिसका नाम है द थ्री स्टोरी। एक कहानी ऐसी जो विश्वास के ऊपर बेस्ड है, एक कहानी ऐसी जो आपको कहीं ना कहीं कर्म और कांड के बारे में जरूर बता देते हैं कि अच्छे कर्म करोगे तो और अच्छे तरीके से लोगों के साथ रहोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा, अगर बुरे तरीके से लोगों के साथ रहोगे तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। ये बहुत अच्छी तरीके से हम इस चैप्टर को समझते हैं, अच्छे से इस कहानी को समझते हैं और इससे हमें क्या सीख मिलती है वो भी देखते हैं। देखो मेरी वीडियो के अंदर मैं बाकी जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनके जितना अच्छा तो नहीं पढ़ाता, लेकिन एक चीज जरूर है कि मैं एक चीज जो उनसे अलग करता हूँ, वो होते हैं वो सिर्फ चैप्टर पढ़ाते हैं, मैं चैप्टर का आपको ये करवाता हूँ कि आपको चैप्टर का एक्चुअल में जो चैप्टर से हमें सीखे क्या मिलती है, चैप्टर से आप क्या क्या सीख सकते हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से जो एजुकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ मार्क्स लाने तक सीमित नहीं है, आपकी नॉलेज और जो लाइव लेसन आपको इन चैप्टर से मिल सकते हैं ना। देखो हमारे पास, हम बड़ी बड़ी नॉवल्स तो पढ़ते ही नहीं, लेकिन ये जो चैप्टर्स है ना ये नॉवल से कम नहीं है यार। आपको इतना बढ़िया इस चैप्टर का मतलब समझाऊंगा ना कि आपको लाइफ तक ये लेसन अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं समझिंग चैप्टर को। चैप्टर का नाम क्या था, थ्री स्टोरी, सेकंड नंबर चैप्टर है, दो दोस्तों की कहानी है, जो दोस्त थे नहीं इनमें जो दोस्त बने, कहाँ पे, एक रेसलिंग मैच के अंदर, रेसलिंग मैच में दोस्त बने। एक बार जो एक दोस्त था, छोटा वाला दोस्त, वो था चोर। उसके मन में आया पाप, वो कहता कि यार आप तो चोरी कर सकता हूँ, लेकिन उसके मन में उसने चोरी करी या नहीं करी आज की वीडियो में जानेंगे, क्या उसने भरोसा तोड़ा या नहीं तोड़ा आज की वीडियो के अंदर जानेंगे। बस देखते रहिए इस अमेजिंग चैप्टर को, लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन है, क्या लिखा हुआ है, अ यंग बॉय में फ्रेंड विद अनस, यानी कि एक छोटी यंग बॉय का नाम क्या है इस चैप्टर के अंदर, उसका नाम है हरी। क्या नाम है उसका, हरी सिंह। तो हमारे हरी सिंह जी जो है वो एक दोस्त बनते हैं किसके साथ, मेक फ्रेंड्स, मतलब दोस्ती करते हैं किसके साथ, अनिल जी के साथ। अनिल जी कौन है, एक 25 साल के नौजवान युवा है। ठीक है, अनिल ट्रस्ट हिम कंप्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम, जो अनिल है वो क्या करते हैं उनके ऊपर अंधाधुंध भरोसा करते हैं और उन्हें अपने पास नौकरी पे लगा देते हैं। ठीक है, डज द बॉय बिट्रे, बिट्रे मींस क्या वो धोखाधड़ी करेंगे, क्या वो ब्रेक करेंगे ट्रस्ट, आज के अमेजिंग वीडियो के अंदर जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको बोर नहीं हो रहा दूंगा पूरे लेक्चर के अंदर, मेरी गारंटी है। ठीक है, देखता है आई वॉज स्टिल अ थीफ, मैं आए अब यहाँ पे कौन रेफर कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हरी सिंह जी कह रहे हैं कि बॉस मैं चोर था, कब, जब वो अपने अनिल जी से मिले थे तब तक वो क्या थे, एक चोर थे। तो देखिए क्या लिखा, आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल, जब मैं अनिल जी से मिला था तब तक मैं कौन था, चोर, और मैं कौन हूँ, हरी सिंह। हरी सिंह मेरा एक्चुअल नाम नहीं है, कैसे पता चलेगा चैप्टर के अंदर। ठीक है, एंड थॉट एंड थ्रू ओनली 15, यानी कि हमारे हरी सिंह जी कितने साल के थे, 15 साल के छोटे से बच्चे थे, मुझसे भी कम छोटे थे। ठीक है, आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, कि भैया मेरा हाथ बड़ा अच्छा चलता था, किसके अंदर, मारा पीटी के अंदर नहीं, बटवा चुराने के अंदर, चोरी चारी करने के अंदर मेरा हाथ बड़ा सही था। तो उन्होंने कहा आई वॉज एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस मीन मैं अच्छी खासी चोरी करने का मुझे एक्सपीरियंस हो गया था, एंड फेयरली सक्सेसफुल, फेयरली मीन देखा जाए रफली देखा जाए, हाँ मैं आसानी से चोरी कर लेता था, सामने वाले को पता नहीं चलता था। सक्सेसफुल एंड मीन यहाँ पे वो अपने आपको एक थीफ की तरह अपना करियर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे हम कहते हैं हेलो माय सेल्फ रजत गावड़े, आई एम अ टीचर एट आनंद वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन, वैसे हरी सिंह जी देखो मैं हूँ, आई एम अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड, अभी देखो मेरे पास आ गया बटवा। ठीक है, अनिल बॉस वॉचिंग और रेसलिंग मैच, तो हमारे अनिल जी तो थे, अब कहानी का स्टार्ट होगी, हमने इंट्रोडक्शन दे दिया हमारे चोर भाई साहब का, अब हम आपको लेके चलते हैं रेसलिंग मैच के ऊपर। तो ऐसी रेसलिंग चल रही है, मान लो एक अंडरटेकर है दूसरा ब्रॉक लेसनर है, दोनों के बीच में रेसलिंग चल रही है, अनिल बॉस वॉचिंग अ रेसलिंग मैच एंड व्हेन आई अप्रोच, यहां पे जब भी आए है, यहां पे कौन है, आई हरी सिंह है। ओके, व्हेन आई मीन हरी सिंह अप्रोच हिम, यानी कि जब हरी सिंह और अनिल जी पहली बार मिल रहे थे तब WWE का मैच चल रहा था और वो मैच देख रहे थे। ठीक है, ही वॉज अबाउट 25, तो हरी सिंह हमारे अनिल जी कितने के थे, 25 साल के युवा थे वो, अ टॉल लीन, लीन मींस दुबले पतले आदमी थे वो, एंड अ फेलो, एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और वो कैसे होते ना एकदम भोले भाले से व्यक्ति, एकदम दुबले पतले से तो थे, लीन से थे और बड़े इजी गोइंग। इजी गोइंग मतलब यार चोरों मन में आता है यार ये आसानी से फंस जाएगा यार, इसे आसानी से हम निपटा लेंगे, कोई चिंता नहीं है, निपट जाएगा ये, इजी गोइंग। ओके, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माय पर्पस, और चोरों को और क्या चाहिए होता है, अगर सीधा साधा आदमी है कोई, इससे ज्यादा भोला भाला है तो भोले आदमी को तो लूट लिया जाता है, तो वो कहते चलो ये तो इजी गोइंग है यार, इसे आसानी से निपटा लेंगे अपने, फॉर माय पर्पस।
Okay, I hadn't had much luck of late, यानी कि बॉस मेरा ज़्यादा bad luck नहीं चल रहा था, मैं अच्छा खासा चल रहा था, बताया ना, बॉस fairly successful है, I hadn't had much luck of late, यानी कि मेरा ज़्यादा bad luck नहीं चल रहा था, बढ़िया चल रहा था मेरा काम तो, I was a fairly successful head, and thought I might be able to get into the young man's confidence, और क्या करते हैं चोर, चोर कहते हैं वो काफी और होते हैं ना कि थोड़ा एक धीरे धीरे करके उसके भरोसेमंद आदमियों में थोड़ा बातचीत करेंगे, थोड़ा भरोसा जीतेंगे और अचानक से हल्का सा पर्स सीधा, ठीक है, एंड आई थॉट माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मेंस कॉन्फिडेंस, यंग मेंस कॉन्फिडेंस, मैं उसके साथ बातचीत करूंगा, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस एक इक्वेशन बिल्ड करूंगा मैं उसके साथ अच्छी सी, उसके बाद सीधा, यू विल लुक अप, देखो स्टार्टिंग कैसे करते हैं, देखो एक लीन सा आदमी, मान लो एकदम पतला सा आदमी है, ठीक है, आप उसे कह रहे हो यार यू लुक लाइक अ बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ, यार तुम एक रेसलर की तरह लगते हो, अब बंदे को लग रहा है अच्छा जी ऐसे पतला सा शरीर लेके मैं रेसलर तो नहीं हो सकता, ठीक है, यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ, आई सेड, आई किसने कहा, हरि सिंह ने कहा, किसे कहा, अनिल को कहा, अ लिटिल फ्लैटरी, फ्लैटरी मींस चापलूसी, थोड़ी बहुत चापलूसी करनी पड़ती है जैसे टीचरों की आप लोग करते हैं, ठीक है, अ लिटिल फ्लैटरी मींस चापलूसी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, तो थोड़े बहुत दोस्ती करने के अंदर होता है यार तू बंदा बड़ा सही है यार, तू देख यार तू क्या मस्त बंदा है यार, तो देख फिजिक देख तेरी है, देख दाढ़ी देख, ऐसे वो उसने वैसे क्या कहा, सर आप रेसलिंग में देख रहे हो रेसलर की तरह, जाओ जोन सीना को हटाओ वहां पे खुद जाके रेसलिंग करने लग पड़ो, कहो यू कांट सी मी, ठीक है, सो डू यू, ही रिप्लाइड, तो फिर वो कहते हैं जी हाँ आपकी तरह ही 15 साल के बच्चे को देखो, सो डू यू, ही रिप्लाइड, व्हिच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वाज रादर थिन, क्योंकि क्या हुआ वो तो पतले थे ही, तो उन्होंने वो दूसरे पतले आदमी को, जो हमारे हरि सिंह भी पतले थे ये भी पतले थे, वो कहते भाई साहब आप रेसलर, आप थोड़े रेसलर की तरह दिखते हो, रेसलर तो होते एकदम बॉडी बिल्डर टाइप है ना, कोई पतला सा रेसलर तो आते मैंने ही नहीं देखा WWE में, तो वो भी कहता भाई साहब आपकी जितना नहीं, सो डू यू, आप भी हो सर, सर देखो क्या बॉडी आपकी, 15 साल का बच्चा कैसा होगा एकदम दुबला पतला सा, इंटरेस्टिंग है चैप्टर, मजा आएगा आप लोगों को इस चैप्टर को आगे पढ़ने के अंदर, देखिए आगे क्या है, वेल आई सेड मोनेस्ट्री विनम्रता पूर्वक, ये वर्ड्स डालने के मुझे बड़ा अच्छा लगता है, विनम्रता पूर्वक, तो उन्होंने कहा वेल, हाँ विनम्रता मतलब शांति से कहा, हाँ जी अच्छा उसके मन में भी आ रहा है, अच्छा जी मुझे बोल रहे हैं, ओके आई डू रेसलर बट, हाँ कर लेते हैं थोड़ी बहुत रेसलिंग, आई डू अ रेसलर बट, व्हाट्स योर नेम, तो आपका नाम क्या है, तो हमारे राइटर ने हमारा नाम बताया, कहता है बॉस हरि सिंह, आई लाइट मींस, क्योंकि चोरों का तो यही होता है, अब चोर ऐसे थोड़ी ना अपने कोई आधार कार्ड बनवा के चलते हैं, चोरों का कोई आधार कार्ड नहीं होता, हर महीने नया नाम मिलता है उन्हें, हरि सिंह आई लाइट, आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने अपना नाम बदलता हूँ, दैट केप्ट मी अहेड, अहेड मींस मुझे सेफ रखता है, क्या रखता है मुझे, इट केप्ट मी सेफ ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयज, ऑफ द पुलिस से तो समझ में आता है कि भाई चोर अगर पता हो कि ऐसा होता है ना कि कोई भी चोर का नाम अगर फेमस होता अच्छा वो रहा जा रहा, तो बार बार नाम बदलने से क्या होगा, कभी मैं हरि बन जाऊंगा, कभी मैं परी बन जाऊंगा, कभी कुछ बन जाऊंगा, तो ऐसे नाम बदलते रहेंगे तो मुझे पुलिस आसानी से पहचान नहीं पाएगी, और ये सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है फॉर्मर एम्प्लॉयज, फॉर्मर एम्प्लॉयज क्या होते हैं, जो मेरे साथ में काम करते हैं, चोरों के साथ में कौन काम करता है, दूसरे चोर, तो दूसरे चोरों से भी वो सेफ रहता था और अपने पुलिस से भी वो सेफ रहता था, फॉर्मर एम्प्लॉयज का यहाँ पे क्या है, पीपल वर्किंग टुगेदर हेयर थीव्स, यानी कि जो उनके साथ में काम करते हैं, जैसे आपके जो साथ में पढ़ते हो उसे आप कहते हो सहपाठी, जो आपके साथ में काम करते हो उसे आप कहते हो सहकर्मचारी, साथ में काम करने वाला, वैसे ही यहाँ पे फॉर्मर एम्प्लॉयज का है, साथ में चुराने वाले, चोरी करने वाले, आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक अबाउट द वेल ऑइल्ड रेसलर, तो उन्होंने बात करी यार देखो रेसलर, मैं एक बार गया भी था रेसलिंग मैच के अंदर, तो बहुत बढ़िया से तेल वेल लगाते हैं तभी तो उनकी बॉडी एकदम शाइनिंग कर रही है, ओके, और आफ्टर दिस मोमेंट अनिल टॉक अबाउट द वेल ऑइल्ड रेसलर सुकम हु वर ग्रंटिंग, ग्रंटिंग मींस गुर्राना, वो आते ना ऐसे करके एकदम अपने बॉडी से दिखा रहे थे ना, ठीक है, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर, कभी उठा के कोई किसी को पर करते, कभी कोई उठा के, जैसे रॉयल रंबल में नहीं होता, आगे पटकते जाओ लोगों को आनंद आ रहा होता है, आई फॉलोड, ओके सॉरी, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, आई डिड नॉट हैव मच टू से, तुम्हें कुछ ज्यादा कहने के लिए था नहीं, अनिल वॉक्ड अवे, और इसी बार और अनिल चल पड़ा, ओके तो कोई बात नहीं, तुमने मेरा मजाक उड़ाया मैंने तेरा उड़ाया, चल भाई चल पड़ते हैं, आई फॉलोड कैजुअली, और अनिल क्या अब हरि को लगा यार ये तो जा रहे, जाना पड़ेगा भाई, दाल रोटी का जुगाड़ तो करना होता है भाई, 15 साल के बच्चे कितनी परेशानी है, बोझ है, जाना पड़ता है, ठीक है, हेलो अगेन ही सेड, वो कहता हेलो गाइस चाय पी लो, फिर से आ गया मैं, हेलो अगेन, आई गेव हिम माय मोस्ट अपीलिंग स्माइल, और उसे बड़ी अपीलिंग सी स्माइल दी, जैसे अक्षय कुमार स्माइल होती है ना, ऐसे प्यारी सी स्माइल दी उसे, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ बट आई कांट पे यू, तो अनिल जी भी कहते कि हरि सिंह तो कहता भाई साहब मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, अनिल जी कहते देख भाई मेरे को तो पीछे होनी, मैं तो भाई देखो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको पे नहीं कर सकता, देखते हैं आगे क्या होता है, मस्त चैप्टर है, आपको एंजॉय बहुत होगा इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, आई थॉट दैट ओवर अ फोर मिनट, तो मैंने सोचा यार पैसे तो देगा नहीं, चलो यार कुछ भी और कहीं ना कहीं जुगाड़ तो लगाएं कुछ, परहैप्स आई हैड मिस एडजस्ट माय मैन,
ओके परहैप्स आई हैव मिसजज्ड माय मैन, यानी कि मुझे लग रहा था यार ये तो बंदा सही होगा, मतलब ले लेगा, काइंड है, भोला वाला है, मुझे ऐसे गरीब के पुकार सुनने का इसके मन में आएगा कुछ कि हाँ कुछ करिए और भी कुछ करेगा, लेकिन इसने तो कहा कि भाई मैं आपको पे नहीं कर सकता, तो उसने कहा यार गलत आदमी को फंसा लिया, किसी और को फंसाने चाहिए था। आई आस्क कैन यू फीड मी, तो वो कहता कि चल यार पे मत कर, क्या मुझे खाना तो खिला सकता है, दो वक्त की रोटी दे सकता है मुझे, तू दो वक्त की रोटी कैन यू कुक, तो फिर अनिल जी भी कहते हैं कि भाई आप कुक कर सकते हो, मैं आपको खाना दे दूंगा लेकिन आप क्या वो खाना बना सकते हो, कैन यू कुक, तो फिर आई कैन कुक आई लाइट अगेन, तो हमारे चोर भाई साहब झूठ बोलने के तो सही माहिर, तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ मुझे कुकिंग आती है, देखो मास्टर शेफ इंडिया का थर्ड सीजन में जीत के आया था, आई कैन कुक आई लाइट अगेन इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, तो कहते हैं बॉस अगर आप खाना बना सकते हो तब तो मैं आपको खाना खिला सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप खाना बनाना मैं पहले खाऊंगा, जो बचेगा वो आपका, ठीक है। He took me to his home over, okay, he took me over to his room, अपने कमरे के अंदर लेके गए हमें, over the Jamuna Sweet Shop, अब ये जो address है ना ये, मैं हमेशा कहता हूँ मेरी वीडियोस के अंदर कि आप लोगों को अपने आंसर्स को बेटर बनाने के लिए, देखो सब आंसर लिखेंगे, अपने आंसर्स को बेटर बनाने के लिए एनसीईआरटी से कुछ वर्ड्स डालो, देखो इसके एक्स्ट्रा मार्क्स, इससे एक्स्ट्रा मार्क्स ही मिलते हैं, मैं गारंटी देता हूँ, आप ये वर्ड लिखोगे जमुना स्वीट शॉप अपने आंसर्स के अंदर डिफाइन करने के अंदर, नहीं मिलेंगे मार्क्स, गारंटी देता हूँ, फिर लिखेंगे क्योंकि एग्जामिनर को पता है क्या, आप एक पता क्या, हम इतने सालों से एग्जामिनर भी अच्छा करते हैं, चेकिंग एक्सपीरियंस होगा उसके बाद, अब वो हर साल उसे सेम आंसर मिलते हैं तो उसे वो एक्साइट होता होगा कि ना यार अरे वही है, मैं पिछले बार ये 10 सालों से ये आंसर चेक कर रहा हूँ, वो ऐसे ऐसे करेगा, लेकिन जब आप उसे कुछ अलग दोगे ना यार, आप उसे कुछ हटके आंसर दोगे तब मजा आएगा, मैं भी अपने ही स्ट्रेटजी अप्लाई करता था, ठीक है, जब मेरा 12th क्लास का बोर्ड का रिजल्ट आया था ना, अब देखो हम सब पढ़ते एक जैसे थे, लेकिन मैं एक चीज बड़ी नोटिस करी थी, मेरे जितने भी फेलो जितने भी थे मेरे स्टूडेंट्स, उन सबके जो मार्क्स थे वो उनकी जो रेंज थी, ऐसा नहीं कि मैं नॉर्मल टॉपर्स की जो रेंज थी, जितने जो मतलब जिनके 199 आ रहे हैं दूसरे अकाउंटेंसी बिजनेस के अंदर, उनके इंग्लिश के अंदर आए 75, 77, 73 मार्क्स, और मेरे उनमें से आए 97 मार्क्स, और मेरे इंग्लिश में 97 क्यों है, क्योंकि मुझे एक चीज बड़ी अच्छे से लगती थी यार, मैं ना इंग्लिश के ऊपर एक बड़ी अच्छी चीज करता था, मैं एनसीईआरटी बहुत ज्यादा पढ़ता था, उसका फायदा ही मुझे मिला कि मेरे इंग्लिश के अंदर 97 मार्क्स आए थे, कैसे कि मैं ऐसी टर्म्स का इस्तेमाल करता था, और आप लोगों को भी ये टर्म्स बहुत इस्तेमाल काम में आएंगी, क्योंकि टर्म्स से पढ़ के पता क्या ऐसा लगे यार इस बच्चे की, क्योंकि वो भी इंग्लिश पढ़ा था, उसे लगे यार इस बच्चे की कमांड है यार, इंग्लिश के ऊपर कमांड है, जिसकी कमांड होती है ना इंग्लिश के ऊपर वो राजा है यार, वो इस गेम का राजा है, और आपको भी अगर राजा बनना है तो इस तरीके के वर्ड्स को थोड़ा याद रखो, ठीक है, राजा बनोगे इस गेम के, एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, तो वो कहते हैं देख भैया वो स्वीट शॉप है, स्वीट शॉप के बाहर होता है ना बालकनी सी बनी होती है, स्वीट शॉप के ऊपर एक कमरा था, तो उसके ऊपर जैसे एक होता है छज्जा सा हम जिसे कहते हैं, तो एक बालकनी सी बनी हुई, तो वो कहता है कि तू वहां पे सो जा, मैं कमरे में सो जाऊंगा, ठीक है, स्वीट शॉप हो भी क्या होते हैं, कितने एक कमरे की तो होती है मिठाई की दुकान, ठीक है, मैं छोटी दुकान की बात कर रहा हूं, ठीक है, अनिल ने वो खाना खाया और उससे कहा बेटा, वो कहता है बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तो फिर वही उसके साथ हुआ कि भैया तुम जाओ नौकरी वोकरी छोड़ो, और उन्होंने वो जो खाना था जो बनाया था ये उन्होंने कैसे दे दिया, स्ट्रे डॉग्स यानी कि जो गली के कुत्ते होते हैं उन्हें दे दिया, ठीक है, बिकॉज अनिल गेव इट टू स्ट्रे डॉग्स यानी कि गली के कुत्तों को दे दिया, एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ यानी कि बॉस आज से तेरी छुट्टी तुमसे ना हो पाएगा, तुम जाओ तुम अनएम्प्लॉयड हो चुके हो आज से, बट आई जस्ट हंग अराउंड मींस कीप क्वाइट भाई साहब, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप थोड़ा नौकरी दे दो भाई, क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि भाई थोड़ा नौकरी वोकरी दे दो, स्पेलिंग इन माय मोस्ट अपीलिंग वे, तो जिस हिसाब से एक्सिंग मार्स है साहब नौकरी, तो एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, तो फिर उस तरीके से वो उन्हें भी थोड़ी अट्रैक्टिव लगी उसकी स्माइल, इतनी ज्यादा हंसीदायक लगी, तो वो भी हंसने लग पड़े कि यार हो जाता है अगर आप किसी को ऐसे स्माइल करोगे तो हंसता है नॉर्मली, ठीक है, तो तो वो भी ऐसे हंसने लग पड़ा, लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड, तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या पैटेड मी ऐसे थपथपाना, ठीक है, तो उन्होंने लेटर क्या क्या ऐसे पैट किया मेरे हेड के ऊपर, एंड सेड नेवर माइंड कोई बात नहीं ओके ही हैड टीच मी टू कुक, कहता कोई बात नहीं बेटा तू खाना नहीं बना सकता, मैं तुझे खाना बनाना सिखाऊंगा, फिर तू मुझे खाना बना के खिलाना, ठीक है, ही हैड टीच मी टू कुक, ही आल्सो टॉट मी हाउ टू राइट माय नेम, और वो कहता देख एक और फ्री सर्विस दे रहा हूं, मैं तुझे पे तो करूंगा नहीं, एक काम कर मैं तुझे लिखना भी सिखाऊंगा, मैं तुझे पढ़ना भी सिखाऊंगा, अभी इतना क्यों कर रहा है, क्योंकि खुद एक राइटर है, अनिल जी कौन है, एक राइटर है,
देखते हैं। ओके ही ऑल्सो टोल्ड मी हाउ टू राइट माय नेम, कि भाई अपना नाम कैसे लिखते हैं, एंड सेड ही वुड सून टीच मी हाउ टू राइट होल सेंटेंसेस, कि बॉस अभी मैं तुझे तेरा नाम लिखना बता रहा हूँ, धीरे धीरे करके मैं तुझे होल सेंटेंसेस बढ़ाने लग पड़ूंगा और धीरे धीरे करके तुझे मैं अनएजुकेटेड थी से एजुकेटेड बना दूंगा, थीफ नहीं एजुकेटेड पर्सन, ठीक है। He would soon teach me how to write sentences. मैं सोचा मैंने पेन क्यों पकड़ा हुआ आज, ठीक है। And to add numbers, और वो add numbers यानी कि numbers को जोड़ना, mathematics, ये सारी चीजें थोड़ी knowledgeable person बनाएगा उसे। I was grateful, मैं इतना ज्यादा खुश किया यार, अब देखो यार मैं पढ़ पाऊंगा लिख पाऊंगा, और उसके दिमाग में ये चीजें नहीं है मैं पढ़ लिख के बड़ा IAS IAS बनूंगा, नहीं मैं पढ़ लिख के एक बहुत ही सातिर चोर बनूंगा। I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. यानी कि अगर मैंने एक बार शिक्षा को ग्रहण कर लिया, उसके बाद मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। It was quite pleasant working for Anil. ये बहुत अच्छा था अनिल के लिए काम करना। I made the tea in the morning. मैं उनके लिए सुबह सुबह गीले गीले बालों के अंदर चाय लेके आता था उनके लिए। Sorry. Then would take my time when buying the day supplies. तो फिर उसके बाद जो भी shopping करने जाता था, जैसे नोबिता नहीं करता क्या वो सुबह सुबह, क्या नाम लेते हैं, चाय तो नहीं बनाता, पर वो कहते हैं ना शॉपिंग के लिए जाते रहते हैं, कोई कार्टून आता था उसके ऊपर आता था कि वो शॉपिंग के लिए चला जाता था, कोई भी जितने भी डे की सप्लाईज, यानी कि डे सप्लाईज के मीन्स कोई यू कैन से साबुन नमक ये सारी चीजें जो भी घर के हाउस होल्ड अप्लायंसेस होते हैं छोटे वाले रेगुलरिटी वर्क्स के अंदर जो काम आते हैं उन सब की बात करें। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट अ रुपया डे, और हर दिन एक रुपया कमाता था। कैसे, वो मान लो से 10 रुपए देता था, 9 रुपए का सामान आया, ओके 1 रुपया जेब में, अगले दिन गया जैसे कोई सामान दे रहा होगा तो उसके अंदर वो कम करा करा के 1 रुपया रोज उसका अपने पास रख लेता था, 1 रुपया वो रोज चुराता था। आई थिंक ही न्यू आई हैड मेड अ लिटिल मनी दिस वे, और कहीं ना कहीं हरी को अनिल को भी पता था कि भाई ये रोज मेरा 1 रुपया चुराता है, बट ही डिड नॉट सीम टू मैटर। वो कहता है यार देख मेरे पास सब सैलरी तो देता नहीं, 1 रुपया चुरा रहा है कोई बात नहीं, चुराने दो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए तो ये इस तरीके से ये हमारे अनिल बाबू है और ये हमारे हरी बाबू है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है देखिए, आगे देखिए। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट। अनिल जो था हमारे अनिल जी, वो कैसे काम करते थे, वो करते थे इरेगुलर वर्क। इरेगुलर वर्क मतलब कौन सा होता था, यानी कि वो बेसिकली वो क्या थे, एक राइटर थे, तो फिर वो क्या करते थे, जो बुक्स होती थी ना उनकी, तो वो कहते कभी बुक्स बिक जाती थी तो पैसा आ जाता था, कभी नहीं बिकती तो नहीं, सही ओके। ही मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट, यानी कि इरेगुलर था, यानी कि ऐसा नहीं था उन्हें रेगुलरली पेमेंट मिलती थी नहीं। ही वुड बोरो 1 वीक एंड लेंड द नेक्स्ट वीक, यानी कि एक बार पैसे लेते थे और कभी वो पैसे दूसरों को उधार पे दे देते थे, दे देते थे सॉरी एक बार, एक सेकंड का टाइम लूंगा, थोड़ा सा पानी पी लो। He kept worrying about his next check, और वो हमेशा payment wait करता रहता था, या मेरी next payment कब आएगी, next payment कब आएगी। But as soon as it arrived, he would go out and celebrate. और जैसे ही payment आएगी, it's party time, it's party time, और वो बाहर जाते थे, आराम से party party करते थे। It seemed that he wrote for magazines. और वो किसके लिए writer थे, तो वो magazines के लिए लिखते थे। और a strange way to make a living. और बड़ी strange तरीका था उनका living करने का। देखो यार पैसा आया, ऐसे नहीं कि थोड़ा save करो, घर में नौकर चाकर है, ऐसे नहीं। किसी वस्तु को कहीं छुपा कर संभाल के रखना, पैसे आए थे तो आराम से उसने क्या किया, आज तो देर रात होगी कल सेलिब्रेट करने जाऊंगा, तो उसने क्या किया, जहां पे तकिया था ना उसका, मान लो ये तकिया है, ठीक है, तो तकिए के नीचे क्या होता है, ऐसे करके उसने संभाल के तकिए के नीचे क्या कर दिया, पैसे रख दिए, ठीक, कहीं छुपा के रखे थे कि पैसा है यार, डेफिनेटली पैसा तो हम लोग भी कैसे एकदम छुपा के रखते हैं ना, एकदम होता सबके पास है, देता कोई नहीं, ठीक है। मनी अंडर द मैट्रेस, मैट्रेस मीन जो वो बिछाते थे दरी, उसके नीचे, ठीक है। I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating the shopping had not done anything in the line of work. अब यहाँ पे समझो ये क्या कहना चाहते हैं, तो वो कहते हैं I had been working for Anil, भैया मैं अनिल के लिए almost 1 महीने से काम कर रहा हूँ, and apart from cheating on the shopping, यानी कि ज्यादा नहीं जो cheating करता हूँ, cheating means जो चोरी करता हूँ मैं 1 रुपए की, जो कि कहीं ना कहीं कमीशन है kind of, जो मैं 1 रुपए की चोरी करता हूँ, उसके अलावा तो मैंने अनिल को ठगा ही नहीं,
ये तो गलत बात है, मैं तो अनिल को ठगता ही नहीं हूँ, ठीक है। इन द लाइन ऑफ वर्क मीन्स जो मेरा पहले का काम है, मेरा ओरिजिनल प्रोफेशन क्या है, चोरी का है भाई। ओके, आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मेरे पास सारी अपॉर्चुनिटी थी करने के लिए। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, और जहां पे वो रखता था पैसा उसकी चाबी मेरे पास थी, ठीक है। एंड आई कुड कम एंड गो एज प्लीज्ड एज रिक्वेस्टेड, और जैसे मैं चाहूं उस हिसाब से मैं जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, और जो मेरे ऊपर सबसे ज्यादा, हरी कह रहे कि मेरे ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा अगर किसी इंसान ने किया तो वो अनिल ने किया, और यहीं से कहानी कहीं ना कहीं टर्न लेने वाली है, देखना, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, रिक्वेस्टेड अब यहां पर, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति अच्छे से काम करता है तो उसे रोब करना मुश्किल है। अब देखो यार, अगर आपके साथ कोई बहुत अच्छा करता है, ठीक है, जस्ट लाइक योर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स आपके लिए इतना कुछ करते हैं, तो आपका कभी भी ये नहीं होगा कि क्या उनका दिल दुखाने के लिए, आप जानबूझ के, देखो गलती से हो जाता है, लेकिन कभी जानबूझ के आपने कहा यार चलो आज माँ बाप का दिल दुखाते हैं, कभी जानबूझ के करा आपने क्या, नहीं आज मम्मी पापा को परेशान करेंगे, ऐसे करेंगे, कभी कहे आपने नहीं किया, क्यों? क्योंकि जो लोग आपको इतना ज्यादा प्यार करते हैं, जो लोग आपकी इतनी ज्यादा केयर करते हैं, आप लोग कभी ये नहीं चाहते कि मैं उनके साथ कुछ गलत करूं। जो आपके साथ गलत करते हैं, मेरे टीचर ने इसके बेटे को देख मैं बाहर दे, ऐसे काफी बार होता है टीचर को बेटे को बहुत मारा हुआ है हम लोगों ने भी, ठीक है। टीचर का कोई बेटा को भी टीचर डांट देते तो उसका बेटे को पिटना पड़ता है, ठीक है। सॉरी, तो काफी बार होता है ना कि टीचर वो ऐसे क्या नाम लेते हैं, पर जो हम लोगों के साथ बहुत अच्छा करता है तो हम उनके लिए क्या होता है, हम उनके प्रति एक तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं, हम उनके कभी दिल नहीं दुखाना चाहते। तो यहाँ पे हरी के साथ अनिल ने बहुत अच्छा किया था, उसके ऊपर भरोसे किया था, उसे रोज खाने के लिए उसे पढ़ाता लिखाता था, तो उसके मन में यार इसे इसके अभी पब्लिशर को दिया, अच्छे खासे पैसे कमाए थे, 600 रुपए कमाए थे, 12 नोट थे 50 रुपए के, तो 600 रुपए हो गए, तो यार कहता है चुरा सही लगेगा या नहीं लगेगा, मन में तो आया डाउट, देखते हैं। ओके, एंड दैट इज व्हाई इट वाज सो डिफिकल्ट टू रोब हिम, इट्स एन इजी टू रोब अ ग्रीडी मैन, क्योंकि वो कहते हैं लालची व्यक्ति को ग्रीड चुराना सही है यार, वो तो ऐसे ही लालची है, लालची का थोड़ा और पैसा कम कर दिया क्या जाता है हमारे पास, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब, क्यों वो रोब कर सकता है, वो तो लालची है, उससे ज्यादा से ज्यादा पैसा थोड़ा कम हो गया तो उससे भी क्या फर्क पड़ेगा। बट इट इज डिफिकल्ट टू रोब अ केयरलेस मैन समथिंग ही डज नॉट इवन नोटिस ही हैज बीन रोब्ड, और उस व्यक्ति को रोब करना जो वैसे ही थोड़ा गरीबी के अंदर जी रहा है और इतना केयरलेस है कि उसे पता ही नहीं चलेगा मुझे किसी ने मुझे किसी ने ठग लिया, तब इतना अच्छा व्यक्ति उसके साथ बुरा करना शोभा नहीं देगा, भगवान माफ नहीं करेंगे, उसके मन में आया दिस इज रॉन्ग। ओके, कहाँ पे था मैं पेन मुझे पता नहीं मैंने हाथ में पकड़ा भी क्यों, मैं तो नोट ही है वो मार्क ही नहीं करा। डेट टेक्स ऑल द प्लेजर, प्लेजर मींस हेयर मनी आउट ऑफ द वर्क टू एंजॉय आउटसाइड, तो उसके मन में एक और चीज है कि अरे तो इतना केयरलेस है कि वो अपने बाहर अपने जाके दोस्तों के साथ तो एंजॉय करने लग पड़ेगा, पार्टी करने लग पड़ेगा, मोए मोए करेगा, तो उसके मन में तो है कि यार वैसे देखा जाए तो अभी ये इतना केयरलेस है कि पैसों का ध्यान तो रखेगा नहीं, अगले दिन सारे दोस्तों के साथ उड़ा देगा, ठीक है। Well, it's time I did some real work. और ये वो time था जहाँ पे boss मैंने थोड़ा real work किया. I told myself I'm out of practice. तो उसके ना अपने दिल को कहा कि देख, I'm out of practice यार. अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं, चोरी नहीं. काफी यार होता है ना, हम लोग कहते हैं कि आज मैं नया साल है तो मैं प्रण लेता हूँ कि आगे से मैं ये काम नहीं करूँ, जैसे कोई मैं समोसे नहीं खाऊंगा, समोसे कल से नहीं खाऊंगा, वही तो अनिल के साथ भी ऐसा हुआ, नहीं पहले तो मन में आवाज है नहीं चोरी नहीं, चोरी ये सेम चीज है उसके साथ, देखते हैं क्या हुआ उसके साथ। Well, it's time I did some real work. I told myself I am out of practice, but and if I don't take the money, he will only waste it. उसके मन में अब होता है ना, काफी हम लोग खुद को सिखाते हैं थोड़ा सा तो है काफी, वो कभी कभार तो खा लेना चाहिए। अनिल भी मन में समझा रहे यार मैं ज्यादा चोरी तो करता नहीं हूँ, कभी कभार तो कर ही लेनी चाहिए यार, हेल्दी होती है चोरी करना, अच्छा है यार ये तो वेस्ट ही करेगा, इससे बढ़िया मैं कुछ ना कुछ इस्तेमाल करूंगा, और यहीं पे हमारी नियत खराब हो जाती है, हमने समोसा ले लेते हैं बंदे ने पैसे चुरा लिए, अब कैसे चुरा वो भी देखो। He only wasted on a friends, यार दोस्ती यादी पे क्या खर्च करना, दे मुझे अपने पार्टी वार्टी करता है, all he does not even pay for me, और उसके मन में और हम अपने आप को, तो यार काफी और होता है ना कि हम काफी और जो चीज हमें नहीं पसंद हम उसके प्रति खुद को अपने आप को कैसे ना कैसे कन्विंस कर लेते हैं, समोसा हेल्दी बना लेते हैं हम लोग, हम बर्गर में कहते हैं यार इसमें वेजिटेबल्स है यार देखो हेल्दी बर्गर है, देखो पत्ता गोभी है, प्याज है, आलू है, इतना तो दाल की सब्जी के अंदर नहीं होता, वो हम जो घर पे दाल बनती है इतना तो टिंडे की सब्जी में नहीं होता जितना बर्गर में है। मन में हम एक्सप्लेनेशन देते हैं ना कि यार ये कितना हेल्दी है यार, जो चीजें हमें पता है मन में हमारे कहने के सबकॉन्शियस माइंड को तो पता है ये चीजें हेल्दी है, लेकिन हमारे मन में क्या चलता है, चलता है यार क्या चलता है। अनिल बॉस असली पर अनिल सोया हुआ था, तो अब देखो अब यहाँ से सीन चालू होता है बॉस, ठीक है।
अनिल वॉज अस्लीप, अनिल जो था, अनिल भाई साहब हमारे सो रहे थे। अब बीम ऑफ मून लाइट स्टेप ओवर द बालकनी। अब क्या हुआ कि अनिल भाई कहां पे सोते थे? बालकनी में सो रहे थे। तो बालकनी के अंदर वो सो रहे थे, अचानक से चांद की रोशनी पड़ी, उसे लगा नेचर गिविंग इंडिकेशन। हमारा डस्टर जो डस्टर होता था उसके अंदर भी होता था ना, नेचर गिविंग इंडिकेशन, दो नेगेटिव एक पॉजिटिव। वैसे अनिल को भी ये लगा नेचर गिविंग में इंडिकेशन, नेचर कह रहे कि पुत्र जा चुरा। ठीक है, अब बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड मींस कम ओवर द बालकनी एंड आई फेल ऑन द बेड हेड। ओके, और मैं उठा, आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसीडरिंग द सिचुएशन। अब वो उसके मन में वापस वही विचारधारा, वो कंसीडरिंग द सिचुएशन मींस वो गिरा बेड से, उसके बाद वो खड़ा ऐसे बैठा और कहता है लग पड़ा यार उठा लेना चाहिए, हम काफी और विचार करते हैं ना, प्लीज यार प्लीज एक बार ही करते ना यार। If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. तो वो कहते हैं यार रात के अभी 10:30 बजे की ट्रेन है लखनऊ की, आप चुरा के जाते हैं लखनऊ, लखनऊ के अंदर करेंगे नवाबों के साथ। वो क्या कहते हैं, सलाम अलैकुम, मुझे नहीं, मैं कुछ और बोलना चाहता था पर मुझे और कोई वर्ड नहीं मिला एक बार। ठीक है, कंसीडरिंग एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो वो कहते हैं लखनऊ की ट्रेन पकड़ते हैं। स्लीपिंग, ओके, यहाँ पे क्या है, स्लीपिंग मींस कमिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट। तो फिर उसने कहा अपनी चादर ऐसे उठाई और कहा कि चलो, जैसे होता है ना कि सुबह सुबह अगर आपको कहीं ना कहीं क्या नाम लेते हैं कहीं पे घूमने जाना होता है आपकी फेवरेट जगह, तो कंबल ऐसे जाती है ना एकदम उड़ते उड़ते, और आप एकदम कह रहे चलो आज चलते हैं, एक्साइटेड था तो वो भी एक्साइटेड हो गया बॉस। ओके, आई क्रैप कैट मीन चुपचाप, ऐसे कहते हैं तो वो भी ऐसे सावधानी से चल रहा था। ठीक है, एक्यूरेट मीन चुपचाप और सावधानी से चलना ताकि कोई आपको देख ना सके, कोई आपको देख ना सके, तो वो भी। ठीक है, हिज फेस वाज क्लियर, एकदम साफ सुथरा चेहरा था एंड अनलाइंड। ओके, तो हिज फेस, अब यहाँ पे हिज का मतलब यहाँ पे क्या है, हमारे अनिल जी, अनिल जी एकदम शांति से सो रहे थे और कोई लाइन नहीं, लाइन मीन ऐसे सो रहा, ऐसे जो इंसान टेंशन में ना हो, लाइन, ओके, अनलाइन, नॉट हैविंग एनी लाइंस ऑन हिज फेस, ऐसे कोई लाइंस नहीं थी, इवन आई हैड मोर मार्क्स, और उनके चेहरे पे ज्यादा थे। एक चैप्टर था, आई गेस आई डोंट नो द नेम ऑफ एनी चैप्टर, और मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि कौन सा चैप्टर था, एक चैप्टर था आपके पहले वाले के अंदर, उसके अंदर कहता था कि मैं गुंडा बन चुका हूँ लेकिन अभी तक मेरे चेहरे के ऊपर कोई मार्क नहीं है, आई गेस ऐसा एक चैप्टर था, मुझे याद आ रहा है ये लाइन पढ़ के। ठीक है, अब मुझे पता नहीं कौन सा चैप्टर था पर कोई बात नहीं। तो वो कहते हैं कि आया मोर मार्क्स, क्यों मार्क्स थे ज्यादा, क्योंकि वो चोर था, बहुत मारा पीटी, कभी पकड़ लिया तो धोपेंगे ना उसे। ठीक है, थ्रू माइंड वर ऑलमोस्ट स्कैर्स, यानी कि मेरा जो क्या नाम था, थ्रू माइंड वर ऑलमोस्ट स्कार्स, यानी कि मेरे चेहरे पे तो बहुत ज्यादा निशान से थे। ठीक है, माई हेड स्लिट, स्लिट मीन स्लिप, मतलब स्लिप, अब वो ऐसे सो रहा था। ठीक है, मान लो ऐसे सो रहा था, तो उसने क्या किया, अपना हाथ धीरे से निकाला और यहां से पैसे निकालने लग पड़ा वो। ठीक है, ओके, अंडर द मैट्रेस एंड सर्चिंग फॉर द नोट्स, तो फिर वो ऐसे क्या करने लग पड़ा, ये तो क्या बड़ा काम आया ना। ठीक है, वो ऐसे सो रहा था तो उसने अपने हाथों को क्या किया, ऐसे ऐसे करके वो ऐसे ऐसे करके है ना ढूंढने लग पड़ा। ठीक है, ऐसे ऐसे करके कि कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ऐसे हाथ से मारने लग पड़े। ठीक है, मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स, अनिल साइड, अनिल साइड मीन्स अब उधर हम रात के अंदर ऐसे करके, तो उसने भी ऐसे सही किया, ओके, मूवमेंट इन बॉडी इन स्लीप एंड टर्न ऑन इस साइड। अब वो क्या हुआ था, वो ऐसे सो रहा था, अब वो क्या हुआ, पहले तो इस साइड सो रहा था, अब अनिल इस साइड था, उसने उसकी तरफ भी मुंह करके सोने लग पड़ा वो। ठीक है, इन ए स्लीप टर्न ऑन इस साइड एंड टुवर्ड्स मी आई स्टार्टेड मीन्स आई सब चौंक रहा हूँ, वो अचानक से चौंक गया, क्या हो गया, चौंक गया वो आराम से, सरप्राइज हो गया एंड क्विकली क्रॉल आउट ऑफ द रूम, और वो धीरे धीरे रूम से बाहर आ गया। ठीक है, When I was on the road, I began to run. अब उसने पैसे चुरा लिए थे। ठीक है, इसने मैं सबसे लिखा नहीं है। In turn on his side towards me, I started चौंकना and quickly crawled out of the room. उसने पैसे ले लिए। ठीक है, वो पैसे लेके क्या करने लग पड़ा, भागने लग पड़ा। When I was on the road, I began to run. I began to run. तो मैं भागने लग पड़ा। I had the notes in my waist. उसने कमर के ऊपर नोट्स लिए हुए थे। ठीक है, held there by the string of dory, यानी कि कोई नाड़ा वाड़ा से लटका के कहीं ना कहीं पैसे यहाँ पे जुगाड़ लिए उसने। On my pajamas, I slowed down to walk and counted the notes 600 in 50s. यानी कि क्या था, 50 रुपए के कितने नोट थे, 12 रुपए के नोट थे। ठीक है, तो 50 × 12 600, मैथ्स के लिए एक सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, इन 50s आई कुड लिव लाइक अ ओल्ड रिच अरब फॉर अ वीक और टू, यानी कि यार 600 रुपए उस टाइम पे, जब ये कहानी लिखी गई थी रस्किन बॉन्ड जी के द्वारा, बहुत पुरानी कहानी है। ठीक है, तो वो कहते हैं यार मैं तो अरब हूँ, नवाब हूँ मैं तो यार दुबई का, आप देखो दुबई के अंदर ऐसे 2-3 शेर वेर पालूंगा, एकदम घूमूंगा फिरूंगा, आई एम द डॉन, हफ्ते दो हफ्ते के लिए तो मैं डॉन की जिंदगी जीऊंगा, 600 रुपए बहुत होते हैं,
तो जैसे मैंने सीन एक्सप्लेन किया था आपको, बिल्कुल उस तरीके का सीन है ये। आगे देखिए क्या हुआ है। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. क्यों नहीं था? क्योंकि उन्होंने कभी ली नहीं थी टिकट। I had never brought a ticket in my life. तो बोलकर तो मैंने कभी टिकट ली नहीं। यार एक चीज बताओ, आपने बंटी बबी देखी है? बंटी बबी का फर्स्ट पार्ट, उसके अंदर भी यही होता है। वो कहते हैं कि आज तक कभी टिकट लेने गया नहीं था, वो कभी चोर था ना, तो आज तक कभी टिकट तो ली नहीं थी। पहली बार टिकट लेने गया तो वहां पर अमिताभ बच्चन ने पकड़ लिया था उसे। ठीक है, बट डैश डैश मीन्स अचानक और तेजी से कहीं चले जाना। पर मैं ऐसे भागता गया कि भाई कैसे ना कैसे करके भागो स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म। तो वो प्लेटफॉर्म तक पहुंच गया था, लखनऊ एक्सप्रेस वो जस्ट मूविंग आउट। तो मान लो ये सीन थोड़ा DDLG की तरह है, ठीक है, ये फिल्मों की कहानी है। जैसे वो धीरे धीरे ट्रेन जारी होती है ना, और चेन्नई एक्सप्रेस के अंदर अब शाहरुख खान ऐसे करे, धीरे धीरे ट्रेन भी चलनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि आसानी से कोई भी पकड़ सकता है, वो अभी भागने नहीं लगी थी। ठीक है, तो ट्रेन धीरे धीरे करके स्टार्ट हो रही थी। The train had still to pick up speed and pick up speed means वो उधर ट्रेन धीरे धीरे करके फिर तेज होने लग पड़ती है। तो वैसे ये ट्रेन धीरे धीरे करके तेज हो जा रही थी। And I should have been able to jump into one of the carriages, यानी कि कोई भी डब्बे के अंदर मैं आ सकता था, बस ऐसे कोई हाथ फैला देता हूँ ना 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 ना, but ऐसा नहीं हुआ। क्यों देखो, but I hesitated, मतलब उसके मन में हिचकिचावट आ गई थी, उसने हिचकिचावट आ गई थी, for some reason I can't explain, and I lost the chance to get away। तो उसके मन में क्या हुआ कि भैया अब लॉस्ट तो कर दिया था चांस, क्यों? क्योंकि उसने ट्रेन तो पकड़ी नहीं, ट्रेन ने अपने तरफ से हाथ उठाया कि भाई तू आ सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी, पर वो गया नहीं डिब्बे के अंदर। और वो इसी तरीके से फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन, कोई रीजन उसके मन में। अब देखो यार, आप वो आपका मन में, आप किसी के साथ बुरा करते हो आपको पता होता है, आपका मन आपको बार बार दुखी करता है कि यार नहीं यार मैंने कुछ कर दिया। वो कह जाने का था यार, नहीं यार नहीं जाना, नहीं जाना उसके मन में था, नहीं जा रहा यार मैं, उसके मन में इस तरीके से आ गया था कि नहीं जा सकता मैं। उसे कोई रोक नहीं रहा था, कोई ऐसे पकड़ के नहीं बैठा था, उसके मन ने उसे पकड़ के रखा था। और ये होता है जब आप अच्छे काम करते हो। उसने देखो अनिल ने अच्छा काम किया, तो उसके मन में आया ना कि नहीं, हरी के मन में आया, अनिल को धोखा नहीं, अनिल को धोखा। Okay, when the train had gone, I found myself standing alone on the destroyed, lonely platform, deserted का मतलब क्या होता है? Lonely। तो फिर उसने कहा कि जैसे ट्रेन गई तो अब लोगों का तो काम नहीं था, रात को 10:30 बजे कोई घूमने तो आते नहीं रेलवे स्टेशन पे, तो रेलवे स्टेशन खाली हो गया और वो अकेला बैठा हुआ था। क्या अलोन से महसूस हो गया था उसे, ठीक है। प्लेटफॉर्म आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, आई हैड नो फ्रेंड्स, यानी कि आप वो कहते हैं अब रात कहाँ पे बिताऊं, मेरे तो कोई दोस्त भी नहीं है, बिलीविंग दैट द फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन द हेल्प। और वो कहते हैं दोस्तों के पास जाऊंगा तो दोस्तों के पास जाने से और मुसीबत पड़ जाएगी। क्यों, क्या है उसके पास? 600 रुपए बॉस। अब 600 रुपए से क्या होगा? अब वो आएगा और कहेगा अच्छा यार मुझे थोड़े टाइम के लिए कहीं पे रुकना है। वो कहेंगे अच्छा तेरे पास बता कितना माल है? क्या 600 रुपए? 600 रुपए क्या बात है भाई, ठगी मार लेंगे और क्या होगा, पैसा वेस्ट। उसके बाद क्या बचेंगे? कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंस हरी वाज अ थीफ, हिज फ्रेंड्स आर पॉसिबली बी थीव्स एज वेल, इफ ही वेंट टू देम देन दे विल स्टोल हिज मनी, यानी दे विल हैव आइदर स्टोलन इट और बोर्डर फ्रॉम सम ऑफ इट, यानी कि वो क्या करेंगे, कुछ पैसे उठा लेंगे या फिर कहीं से अगर अनिल ने कोई हरी ने कोई उधारी करी होती है, चोर लोग उधारी तो करते हैं कि कल चुका दूंगा, तो कहेगा हाँ तेरे पास पैसा है, पैसा चुका मेरा, ठीक है। तो ये सारी चीजों के लिए था। And I did not want to make anyone curious. अब curious नहीं बनाना चाहते थे, doubtful नहीं बनाना चाहते थे कि यार मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, ठीक है। By staying at one of the small hotels near the station, अगर मैं hotels के अंदर रुकता तो लोगों का ऐसा शक नहीं होता कि यार ये क्या हो रहा है। और अगर मैं किसी होटल के अंदर रुकता, उसके मन में है कि यार मैं अगर होटल में कहीं रुकूंगा क्या हो गया इसे, कैंसिल बॉस कैंसिल। ओके, वो कहते हैं बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स, क्या मैं किसी छोटे होटल में भी रुकता हूँ, लोगों को तो शक होगा अच्छा जी ये छोटे होटल में ऐसे कैसे कुछ ना कुछ घपला किया भाई इसने, ठीक है। देन द ओनली पर्सन न्यू रियली वेल वाज द मैन आई वाज स्टॉप्ड, यानी कि मुझे सिर्फ एक ही व्यक्ति को मैं जानता था जिस इंसान को मैं अभी थक के आया हूँ, ठीक है। लीविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार, मैं बाजार से धीरे धीरे जा रहा था। अभी थोड़े थोड़े ना फिल्मी सीन मान के चलो, वो उदास ऐसे वो ऐसे जा रहा था और बाजार के अंदर ऐसे बाजार से वो जा रहा था, और वैसे गाना से मान लो कोई भी कि खुशी के पल कहाँ ढूंढू, वो इस तरीके से जा रहा था, ठीक है। बेवजह सा वक्त कहाँ है, फिर सोचा यार ऐसे सोच के देखो कहीं से पीछे से ऐसे आए जाने कितने। चलो इन माय शॉर्ट करियर ऐसे थे, यानी कि मेरा जो छोटा सा करियर था या 15 साल का था ये लोडा, स्टडी करिए किसकी, लोगों के चेहरों की, जब वो अपनी चीजों खो देते हैं तो कुछ लोग को कैसे कैसे रिएक्शन होते हैं वो बताते हैं। द ग्रेडी मैन सोल्ड फियर, अब लांची को क्या होता है यार ये पैसा चलोगे मेरे गनू ये के हो गए पैसा चला गया। द रिच मैन सोल्ड एंगर,
oh my god, we lost money, what the hell is going on, man? No, no, no. इस तरीके से the poor man sought acceptance. क्या करें, चलो कुछ बचा तो है नहीं, ये भी गया, आगे बढ़ते हैं. But I knew that Anil's face was when he discovered the third bullet so only a touch of sadness. पर उसे पता था कि भाई ये उसे पैसे जाने का दुख नहीं होगा अनिल को. अनिल को किस चीज का दुख हो गया, मेरा भरोसा तोड़ा इसने, मैंने इसे इतना कुछ कहा, मैंने इसे इतना कहा मतलब इतना कुछ पढ़ाया, इतना कुछ करा मैंने, इसके लिए मेरा भरोसा तोड़े, दुख होगा उसे, दिल से दुख होगा. ठीक है, was only a tough, not for the loss of the money but the loss of the trust. भरोसा बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, अगर आपके भी माँ बाप पे भरोसा करते हैं उनका भरोसा मत तोड़ना. Okay, I found myself in the मैदान and sat down on the bench. मैं अपने बेंच के ऊपर, वहां पे मैदान के ऊपर एक बेंच था, वहां पे जाके बैठे. The night was chilly, chilly means cold थी. It was early November, November की starting थी तो थोड़ी ठंड तो होती है November की starting में भी. And a little drizzle, drizzle means बूंदाबांदी हो रही थी और बारिश होने के बाद तो वैसे ही हो जाने लग पड़ती है. Added to my discomfort, और थोड़ी बारिश होने लग पड़ी तो कपड़े जो थे वो भीग गए, और कपड़े के साथ कहाँ भीग गए, पैसे थे कमर के ऊपर तो पैसे भी भीग गए. So it was raining quite heavily. तो फिर धीरे धीरे करके बारिश तेज होने लग पड़ी. My shirt and the pajama stuck into my skin. होता है ना कपड़े चिपक से जाते हैं हमारे एकदम ऐसे, ठीक है, तो उस हिसाब से कपड़े इससे चिपक गए थे. जैसे ये जो दीदी है ना, इनके कपड़े देखो एकदम चिपक सी नहीं गए बॉडी के, बिल्कुल उस प्रकार से. And a cold wind blew the rain across my face. Okay, और वो धीरे धीरे वो ठंडी ठंडी हवाएं जो थी वो मेरे चेहरे पे लग रही थी एकदम ऐसे. ठीक है, आगे देखते हैं. I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. एक clock tower था, उसके जो shelter के अंदर वो जाके, shelter means कोई होता है ना clock tower के नीचे कोई ऐसे छत सी बनी होगी, तो उसके नीचे जाके वो बैठ गए. The clocks were midnight, यानी कि 12 बज चुके थे. I felt for the notes, यानी कि मैंने notes को देखा. They were damp, damp means wet थे. For the rain, यानी कि rain की वजह से क्या हो गए, वो गीले हो गए. Anil's money, in the morning he would probably have given me 2 or 3 rupees to go out to the cinema, but now and I had it all. उसके मन में आया यार, अगर अनिल, अगर ये चीज होती अनिल के पास तो वो क्या करता, मुझे सुबह 2 या 3 रुपए दे देता था और वो कहता जा पिक्चर देख के एंजॉय कर, एंजॉय कर, ये सारी चीजें करता. लेकिन अब क्या वो ऐसे हो सकता है, नहीं, अब तो मेरे पास पूरे 600 रुपए है, मैं तो चाहूँ तो पूरा थिएटर बुक करवा सकता हूँ, लेकिन क्या उसमें खुशी है, नहीं है ना. I could cook his meals, run to the bazaar or lean and learn to write the whole sentences anymore. यानी कि अब मैं कोई भी, मैं बाजार नहीं जा सकता, मैं क्या नाम लेते हैं, बाजार क्यों नहीं जा सकता, एक ऑर्डर है कि पुलिस पकड़ लेगी. मैं पढ़ लिख नहीं सकता, क्यों नहीं पढ़ लिख सकता, कि बहुत सब नहीं है मेरे पास ऑप्शन, कोई नहीं पढ़ लिख सकता मैं. I had forgotten them about them in the excitement of the theft. यानी कि चोरी के एक्साइटमेंट के अंदर काफी यार कहते हैं ना, हम लोगों को बाद में रियलाइज होता है काफी सारी चीजों का, कि यार अब जैसे हमने मान लो हमने कुछ कहा कि आपको ना ये कुछ एग्जाम्पल फ्रेम कर रहा हूँ, एक सेकंड रुको. मान लो कि ठीक है, आपको किसी डॉक्टर ने कहा कि आपको मीठा नहीं खाना, ठीक है, अब आपका मन कर रहा है. अब जैसे आपने मीठा खाया ना, आपको मान लेते हैं जो मैगी से बहुत होता है मैगी के, ठीक है, मेरा एक दोस्त था अमन, तो उसे क्या होता था मैगी जैसे वो खाता था ना, उसके ना दाने से हो जाते थे चेहरे के ऊपर पूरे, ठीक है, तो उसके मन में ऐसा था कि अब वो जैसे मैगी खाता उसके मन में बहुत आती थी मैगी खाने की, तो जैसे मैगी खाता था ना उसके अगले दिन उसका चेहरा पूरा लाल लाल सा हो जाता. उस टाइम वो कहता यार नहीं खानी चाहिए थी, यार नहीं खानी चाहिए थी, मेरे उस टाइम दिमाग में क्यों नहीं है कि मेरी ये सारी चीजें हो जाएंगी. वैसे इंसानों के साथ भी होता है क्या, हम लोग सोचते हैं कि यार कोई बात नहीं एक बार ही कर लेते हैं, क्या होता है, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल स्मोकिंग, आजकल तो बड़ा फैशन है, हर एक फिल्म के अंदर देखते हैं हम अपने फेवरेट स्टार्स को, भले वो शाहरुख हो, अपना ये रॉकिंग स्टार यश हो, ये शाहरुख सर हो, यो यश सर हो, या कोई भी एक्टर हो, सलमान भाई हो, कितने आप इन्हें देखते हो स्मोक करते हो और आपको लगता हो कि यार डैम कूल, यार कितना मस्त है यार, जस्ट स्मोकिंग लाइक दिस, ऐसे ऐसे फैशन के अंदर ऐसे वो झटकाना है ना, ऐसे ऐसे करके ऐसे स्मोक करना, दूसरों के चेहरे पे धुआं फेंकना, इट्स रियल अमेजिंग ना, आप लोगों को ऐसा लगता होगा बहुत अच्छा है, नहीं है यार, ये खुद भी एक्चुअल में रियल वाली से नहीं करते, ये भी सिर्फ दिखावट ही है. बाकी इनके अंदर क्या होता है, ये दूसरी होती है इनके अंदर कोई, आई गेस अगरबत्ती टाइप की कोई होती है सिगरेट, मुझे ज्यादा नहीं पता, पर ऐसा होता है वो वाली नहीं होती. लेकिन हम लोग क्या करते हैं यार, शाहरुख लोग, यार शाहरुख खान यार द बादशाह बॉलीवुड स्मोकिंग, भाई जानो बॉलीवुड स्मोकिंग द रॉकिंग स्टार यस इन केजीएफ मूवी स्मोकिंग और स्मोकिंग भी कैसे बंदूक से, नहीं ये आप लोगों को चीजें बड़ी अच्छी लगती है, आप लोग इसे पहली बार पियोगे ना माइंड रिलैक्स हो गया यार, क्या मस्त है यार, माइंड रिलैक्स हो गया यार, क्या मस्त है. आप लोग जैसे दुकान पे तड़प सी मचेगी यार, सिगरेट है, नहीं पीनी भाई साहब एक दे दो, क्या जाता है एक से, जैसे पी उसके बाद खांसी चालू होगी, यहाँ पे आपके जो लंग्स हैं ये खराब होने लग पड़े, क्या करोगे इनका, फिर 2 मिनट के चैन तो मिल जाएगा, लेकिन अपने अच्छा लगेगा कि आपकी अर्ली एज के अंदर डेथ हो जाए. और क्या पता अगर भगवान ना करे ऐसा हो कि आपके माँ बाप से पहले अगर आपकी डेथ हो जाए इस उम्र के अंदर, जब वो 60-70 साल के होंगे, मतलब क्या अच्छा लगेगा कि आप लोगों की वो ऐसे वो जो बॉडी सी है वो उठा के लेके जाए,
नहीं अच्छा लगेगा ना। तो ये जो चीजें है ना, ये अनिल को भी यहाँ पे रियलाइज हो रही है क्या क्या 2 मिनट की इस लालच ने मुझे इतना अंधा बना दिया कि मैंने कभी कॉन्सिक्वेंसेस ही नहीं देखे। सिमिलरली ये एक रियल लाइफ का लेसन दे रहा हूँ, कभी भी जीवन के अंदर मुझे इस चीज का बड़ा डर लगता है यार आप लोगों के प्रति भी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा अभी, क्योंकि मुझे पता है यार ये बहुत फेमस हो रहा है ये जो है ना स्मोकिंग अल्कोहल, पीपल आर ट्रीटिंग लाइक दिस यार। ये तो सक्सेसफुल लोग करते हैं स्मोकिंग यार, ये तो वो करते हैं यार, वो नहीं मतलब वो करते होंगे तो उनका अलग है यार, तुम लोगों को ये चीजें नहीं करनी क्योंकि ये चीजें अच्छी नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सारी चीजों को कृपया कर ना अपनाएं अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है? इनसे आप लोगों का ही नुकसान है, आप लोगों का भी और आपके माँ बाप का तो हद से ज्यादा है, ठीक है? मैं कहाँ पे था, सॉरी फॉर वेस्टिंग योर टाइम बट नाउ आई हैड इट ऑल, ठीक है? पर मेरे पास अभी सारी चीजें, आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, रन टू द बाजार, ये सारी चीजें मैं नहीं कर सकता। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थर्ड, इस चोरी के एक्साइटमेंट में मेरे दिमाग में ये निकल गया, मैं वो बंदा पढ़ा रहा था मुझे, ये एक्साइटमेंट निकल गया मेरे दिमाग से। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज, यार अगर मैं रोज पढ़ता अच्छे से पढ़ता तो यार ये 100 रुपए तो क्या थे, मैं इससे ज्यादा पैसे कमा लेता यार। ओके, इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, यानी ये क्या है, चोरी चोरी कर रहे, कभी पकड़े जाएंगे, कभी पुलिस पकड़ लेगी, कभी ये या जिंदगी है, या एक रिस्पेक्टफुल जिंदगी जीनी चाहिए, ठीक है? बट टू बी रियल रियली अ बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टफुल पर्सन वाज समथिंग एल्स, यानी कि अगर मुझे इज्जतदार आदमी बनना है ना यार तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। आई नीड टू स्टडी, आई शुड गो बैक टू अनिल एंड टोल्ड माय सेल्फ इफ ओनली टू लर्न एंड रीड एंड राइट, यानी कि बस मगर वो मुझे पढ़ा सकता तो मैं उससे कहूंगा भाई तू मुझे पढ़ा, कोई बात नहीं, एक इज्जतदार जिंदगी तो जीऊंगा मैं कम से कम, ऐसी मारपीट की जिंदगी से तो बढ़िया मैं एक अच्छी जिंदगी जीऊं। आगे देखते हैं, लास्ट पेज है कि अच्छा जब तक खत्म होने वाला है पता ही नहीं चला है, जब तक छोटा सा ही है यार ये तो। आई हर्रीड बैक टू द ओके बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं भागा वो रूम की तरफ वापस, वो बड़ा नर्वस था, फॉर इट इज मच इजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, तो ये बड़ा मुश्किल होता है कि चुरा तो लिया अब उसी चीज उड़ाई हुई चीज को वापस रखना, क्योंकि अब वो रियलाइजेशन हो गया, तो बड़ा अननोटिस था। आई ओपन द डोर क्वाइटली, वापस उन्होंने क्वाइटली ओपन किया, स्टूड इन द डोरवे एंड क्लाउडेड मूनलाइट, यानी कि एकदम बादल से छाए हुए थे तो ज्यादा रोशनी आ नहीं रही थी वहां पे, ठीक है? अनिल वो स्टिल असली, वो वापस हो गया था, क्रैक मीन वापस चुपचाप सावधानी से गया वो इस तरीके से जहां से पैसे निकाले थे, क्या जी आ जाइए आप यहाँ पे ऐसे पैसे निकाले, यहाँ से पैसे निकाले थे, अब यहीं से वापस पैसे वापस आ दिए, सॉरी, ठीक है? ओके आई माय हैंड सॉरी कहाँ पे था यार ये, मैं समझ में नहीं आया, मैंने पेन क्यों पकड़ा हुआ आज, ठीक है? अनिल वाज स्टिल अस्लीप, आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड एंड माय हैंड केम अप विद द नोट्स, आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माय हैंड, यानी कि अब जैसे वो उसका फेस पे सेट था तो वो जैसे रखने गया उसकी ब्रेथ जो थी वो कहाँ थी, फील हो सकती थी उसे, ठीक है? On my hand, I remained still for a minute. मैं एक बार शांत रहा. Then my hand found the edge of the mattress. यानी कि मुझे वहाँ पे मिल गया जहाँ पे पैसे रखने थे. And sleeping under it with the notes, मैंने वहाँ पे पैसे रखे. I awoke. Woke up late in the morning to find that Anil was already made the tea. तो फिर वो थोड़ा अगले दिन इतना मेहनत मशक्कत करके भागा था प्लेटफॉर्म तक, लेट हो गया और उसके बाद वो अगले दिन लेट उठा, उसने देखा यार अनिल ने मेरे लिए चाय बना के रखी है. ऐसा मालिक देखो किस किस को मिलता है मियाँ, ठीक है? अब आगे देखो क्या था, he stretched out his hand towards me, उसने अपना हाथ इस तरीके से बढ़ाया मेरी तरफ, ठीक है? देर वो सर 50 रुपीज नोट, उस हाथ के अंदर क्या था 50 रुपए का नोट था, वो क्या सोचा था 1-2 रुपए देगा, 50 रुपए दिए। बिटवीन हिज फिंगर्स माय हार्ट सैंक, फील सैड, उसे 50 रुपए मिलके तो खुशी होनी चाहिए थी, दुख हुआ मैं इस इंसान पर करा था, मुझे लगा 2-3 रुपए तो मुझे 50 रुपए दे और मैं कल इसका भरोसा तोड़ने जा रहा था, ठीक है? आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड कॉट, यानी मुझे लगा मुझे तो पकड़ा गया। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, तो उसने कहा कि भाई मुझे थोड़े बहुत पैसे मिले थे अब मैं आपको रोज पे करूंगा। माय स्पिरिट वाज सेट व्हेन अ पर्सन फील्स हैप्पीयर, तो उसे लगा कि चलो बढ़िया अब उसे हैप्पीनेस फील हुई। बट व्हेन आई टुक द नोट्स आई सॉ दैट इट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन, यानी कि नोट तो अभी भी गीले थे। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, तो अनिल ने इन सारी चीजों को इग्नोर करा, पता उसे चल गया था यार नोट गीले, यानी कि वो लेके गया कहीं ना कहीं बाहर, तो क्योंकि यहाँ पे तो गीले होने से रहे, तो उसने कहा इग्नोर किया कि वो वापस आ गया ना, उसने सारे पैसे वापस दिए, यानी कि उसे आज से वो मेरा भरोसेमंद आदमी है। ही न्यू बट नाइदर हिज लिप नॉर हिज आई सॉड एनीथिंग, आई स्माइल एट अनिल इन माय मोस्ट अपीलिंग वे एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, यानी कि उसकी तरफ से वो स्माइल है और यहाँ पे अच्छी एंडिंग हुई। और यह चैप्टर हमें सिखाता है बॉस बॉस की बॉस विश्वास बड़ी अच्छी चीज है, लोगों के ऊपर भरोसा करो, लोगों के साथ अच्छा करो, भगवान आपके साथ अच्छा करेगा, गारंटी देता हूं मैं, ठीक है?
तो फिलहाल तक देखा जाए बॉस, अभी तक हम लोगों ने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तो अच्छे से कर लिया, अब बारी है बॉस समरी को करने की। और समरी ऐसे करवाऊंगा ना, मैं कहता हूँ मेरी समरी मतलब ऑडियो बुक, कानों में स्पीकर और आराम से बैठो, आराम से सुनो, बस पूरी कहानी ऐसे रिवाइज करवाऊंगा ना, एकदम मस्त हो जाएगा आपका काम। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी इस चैप्टर के बारे में, किसकी चैप्टर, कौन सी चैप्टर की समरी करने वाले हम, द थीफ स्टोरी की। ठीक है, द स्टोरी इज अबाउट टू डिफरेंट पीपल, बस सुनना आप लोगों को। ठीक है, ये कहानी है दो अलग अलग लोगों की, कौन कौन है वो लोग, वन इज द थीफ, एक है हमारे हरि सिंह जी, क्या है वो एक चोर है, कितने साल के, 15 साल की एज के है। ठीक है, और दूसरे हमारे 25 साल के एक आदमी, क्या नाम है उन आदमी का, अनिल जी, अनिल जी है वॉचिंग अ रेसलिंग मैच। तो कहानी की स्वाद होती है एक रेसलिंग मैच के अंदर, जहां पे हमारे दो रेसलर लड़ रहे होते हैं और हमारे अनिल जी और हरि जी दोनों के दोनों उस रेसलिंग मैच को देख रहे होते हैं। ओके, और ये वही रेसलिंग मैच है जहां पे इन दोनों की पहली मुलाकात कहां पे हुई थी, एक रेसलिंग मैच के दौरान हुई थी। ओके, द थीफ अप्रोच अनिल एंड स्टार्ट टॉकिंग टू हिम बिकॉज़ ही फील दैट ही हैड नॉट रॉब एनीवन इन द पास्ट फ्यू डेज एंड थॉट दैट इट वुड बी एन इजी टू रॉब अ सिंपल पर्सन लाइक अनिल। तो हरि जी को लगा कि यार काफी टाइम हो गया, कोई हाथ साफ नहीं किया यार, आई एम फेयरली सक्सेसफुल हैंड यार, मैंने काफी टाइम से हाथ साफ नहीं किया, अरे अरे भोला भाला सा सिंपल सा आदमी है ये, बड़ा आसान है चुराना, इससे इसकी इससे ठगना, ये सारी चीजें, तो चलता हूँ इसके साथ थोड़ी चापलूसी करता हूँ यार, आप तो एकदम बॉडी बिल्डर जैसे लगते हो, हालांकि अनिल था पतला, उसने कहा सर आप बॉडी बिल्डर जैसे, थोड़ी चापलूसी करने लग पड़ता है। ठीक है, he had and thought that it would be easy to rob a easy person like Anil. Okay, they both started talking and Anil asked the thief his name. दोनों ने normally पूछा बॉस आपका नाम क्या, तो उसने कहा हरि सिंह। क्या हरि सिंह उसका असली नाम था? नहीं, क्योंकि वो हर महीने अपने नाम बदलता था। क्यों बदलता था? ताकि वो सेफ रहे। किससे सेफ रहे? जितने भी फेलो, जितने भी थीफ्स हैं उनके साथ सहकर्मी हैं, सह कर्मचारी हैं, कौन बेचारे बचे हुए चोर और जितने भी पुलिसमैन थे उन सबसे वो क्या रहे, बचकर रहे। द थीफ इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ एज हरि सिंह और वो अपना नाम क्या बताते हैं, मेरा नाम है हरि सिंह। दिस इज नॉट द रियल नेम एज ही चेंजेस हिज नेम एवरीवन टू एस्केप फ्रॉम द पुलिस एज वेल एज फ्रॉम हिज फेलो एस थीफ, अपने जो सहपाठी कर्मचारी उनके दूसरे जोर उनसे बचने के लिए भी। ओके, देन ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द रेसलर्स एंड अनिल हैव लीविंग। ओके, एंड व्हेन अनिल वाज लीविंग, तो यहाँ पे उन्होंने बात करने लग पड़े रेसलर्स के बारे में, ऐसे रेसलर है आप भी रेसलर जैसे लगते हो, हालांकि वो था दुबला पतला। अनिल भी कहता भाई आप भी रेसलर जैसे लगते हो, वो भी दुबला पतला था। ठीक है, ऐसे बात करने लग पड़े। उसके बाद अनिल जाने लग पड़ा, तो उसे लगा कि अरे बाप रे बाप क्या हो गया, अरे ये तो जा रहा है, तो वो क्या गया उसके पीछे भागता भागता गया और उसके बाद में कहा कि सर आप क्या मुझे काम पे रख सकते, मुझे थोड़ा बहुत काम दे दीजिए। Living and when Hari called him again and asked him if he could work for Anil, कि बहुत थोड़ा बहुत काम काम दे दीजिए, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, please काम काम कर दी, मैं खुद छोटा बच्चा हूँ। Anil said that he won't be able to pay him, but he could feed him. यानी कि वो कहता भाई देख भाई पैसे नहीं दे सकता, खाना जरूर खिला सकता हूँ अगर तुझे खाना बनाना आता है तो। तो उसने कह दिया चोर तो था ही, तो वो कहता चोर की दाढ़ी में तंगा, वो बोलता क्या हाँ सर बना लेंगे बस अब रख लो यार सर रख लो मुझे काम पे रख लो। But he could feed him if he knew how to cook. लेकिन उसने कहा कि भाई मैं तभी करूंगा जब तुम्हें खाना बनाना आता। हरि ने झूठ बोल दिया कि भाई मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है, वो खाना बनाना आता है। अनिल टुक हरि टू हिज रूम व्हिच वाज अबव अ स्वीट शॉप। ठीक है, एक स्वीट शॉप के ऊपर था उनका घर। एक सेकंड बस इसका थोड़ा फॉन्ट लाइट कर दो ताकि थोड़ा आसान हो जाए मुझे लाइन पढ़ना भी। ठीक है, तो उन्हें कहां पे था उनका घर, एक से जो मिठाई की दुकान थी उसके ऊपर उनका घर होता था। ठीक है, हरि कुक्ड अ मील व्हिच वाज रियली बैड। तो हरि ने खाना सा बनाया एकदम इस तरीके से, भाई साहब देखो कहानी देखो एक बार आंखें खोल लो। ठीक है, अब देखो भाई साहब का खाना देखो एकदम, सर क्या खाना है। लेकिन वो खाना खाने के बाद उन्हें लगा कि नहीं बेटा तुमसे ना हो पाएगा। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि भाई वो जो खाना था वो स्ट्रे डॉग्स को और उन्होंने हाथ जोड़े भाई तू निकल यू आर अनएम्प्लॉयड। ठीक है, अनिल आस्क्ड हरि टू लीव बट ही ट्राइड टू प्लीज अनिल। वो कहता प्लीज साहब रख लो साहब, प्लीज साहब सब बच्चा है मैं थोड़ा रख लो साहब। हरि स्माइल इन द मोस्ट अट्रैक्टिव वे एंड अनिल कुड नॉट स्टॉप लाफिंग। तो उन्होंने वही अक्षय कुमार स्माइल दी और ऐसे करके वो हंसने लग पड़े दोनों के दोनों। वो कहता चल ठीक है मैं तू मेरे लिए खाना बनाएगा बस एक ही शर्त के ऊपर। क्या शर्त है? कि मैं तुझे पहले खाना बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, शर्त ये थी कि मैं तुझे पैसे तो दूंगा नहीं, एक काम कर मैं तुझे खाना बनाना सिखाता हूँ फिर तू मेरे लिए रोज खाना बनाएगा, इसके अलावा मैं तुझे पढ़ना लिखना एडिशन मैथमेटिशन सारी चीजें सिखाऊंगा। ठीक है, खाना बनाना सिखा दूंगा, राइट फुल सेंटेंसेस पूरे सेंटेंसेस लिखना सिखा दूंगा, एड नंबर नंबरिंग एड करना सिखा दूंगा। हरि वॉज ग्रेटफुल एज ही न्यू दैट देयर वुड बी नो लिमिट ऑफ रॉबिंग पीपल वंस ही लर्न हाउ टू रीड एंड राइट। तो उसे पता चल गया भाई अगर मैं पढ़ा लिखा चोर बन गया तब तो देखो क्या थकता हूँ, अभी मैं 100-150 अब देखो बाद में 1000 5 1500 पढ़ा लिखे चोर की तो बात ही निराली है। ठीक है,
ओके उसके बाद क्या था ना, नरेटर यूज्ड टू वर्क फॉर अनिल एज ही यूज्ड टू मेक हिम टी इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह चाय बना के देता था और वो ग्रोसरीज लेने जाता था। बट ही आल्सो यूज्ड टू स्टील अ रूपी फ्रॉम द मनी दैट वाज गिवन टू हिम टू बाय द ग्रोसरीज एवरी डे। जो हर दिन उसे जो पैसे मिलते थे उसमें से क्या होता था, 10 रुपए मिलते थे, नो की शॉपिंग करके आता था, 1 रुपया रोज चुरा लेता था। ये बात क्या अनिल को पता थी? हाँ अनिल को पता थी, लेकिन अनिल ने कहा यार मैं से पे तो करता नहीं हूँ, 1 रुपया ले रहे लेन तो कोई दिक्कत नहीं। हालांकि वो कौन सा रो रो जाता था, अनिल न्यू डेट ही हैड स्टील मनी बट ही डिड नॉट माइंड। अनिल यूज टू मेक मनी बाय इररेगुलर वर्क्स। इररेगुलर वर्क्स क्या थे? एक्चुअल में राइटर था, तो कभी बुक पब्लिश होगी तो बढ़िया, कभी किसी पब्लिशर ने ले ली तो मतलब बढ़िया, वरना पैसे आगे वरना नहीं आते थे। अनिल न्यू डेट ही यूज टू स्टील मनी बट ही डिड नॉट माइंड। अनिल यूज टू मेक मनी बाय इररेगुलर वर्क। समटाइम ही यूज टू बोरो मनी एंड देन द अदर डे ही वाज ही हैड द मनी ही वुड लेंड इट टू अदर पीपल। जो उसका काम था, एक बार पैसे लेता था दूसरों को दे देता था। व्हेनेवर ही यूज्ड टू गेट मनी ही वुड गो आउट विद हिज फ्रेंड्स एंड सेलिब्रेट। जैसे उसकी बुक कोई ले लेता था, ही वुड मोए मोए पार्टी साड़ी करने जाते थे ये लोग। ओके आगे देखिए, वन डे अनिल केम विद अ बंडल ऑफ नोट्स। पैसा पैसा करती है, पैसे के बंडल लाते हैं। एंड टोल्ड हरी दैट ही हैड सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। At night when he kept the money safely under the mattress of his bed. तो उसके बाद क्या हुआ कि बॉस अनिल जो थे हमारे अनिल भाई साहब, वो एक दिन पैसे लेके आए, कहे भाई देख 600 रुपए लेके आया हूँ, किससे जीत गए? अरे बुक थी पब्लिशर को बेचने में, बुक चल गई। तो चलो ठीक है बढ़िया। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने रात को क्या किया, आज ये तकिया, ये तकिया बहुत फेमस है ठीक है, तो इस तकिए को ऐसे लिया, उसके अंदर वो जो नोट थे वो डाल दिए अपने मैट्रेस के अंदर सेफली। तो फिर होगी बात, उसके बाद अनिल सो गया, वो सो गया, लेकिन हरी को रात को इंडिकेशन मिला चेहरे की, चांद की रोशनी अनिल के चेहरे पे आई। वो थोड़ा सा गिरा और बैठा और वो कहता नहीं मैं कर क्या रहा हूँ यार, मैं चोर हूँ प्रोफेशनली सोचो, डोंट मिक्स पर्सनल एंड प्रोफेशन को। तो उसने कहा नहीं मैं प्रोफेशनली चोर हूँ, मैं तो चोरी करूँ। उसके मन ने उसे कहा भाई लोग भाई अनिल तुझे खिलाता है तेरे पर भरोसा करता है। उसने फिर उसके माइंड के वो होता है ना, दो परियां सी आ जाती है, एक अच्छी परी एक बुरी परी। तो अच्छी परी ने तो कहा वो तुझे ऐसे हो कहता अच्छा अच्छा, बुरी परी कहती है कि नहीं नहीं भाई देख तू उसके लिए तुझे वो पे करते नहीं, और अगर वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा अपने दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी कराए, तू जा 10:30 बजे की लखनऊ की ट्रेन है वहां पे जा, कोई ना कोई तो ऐसे होगा हाथ फैलाता हुआ और पकड़ फिर ना 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 ना। वन डे अनिल कम इन विद द बंडल ऑफ नोट एंड टोल्ड हरी दैट ही हैड सोल्ड अ बुक टू द पब्लिशर एंड दैट ही केप्ट मनी सेफली अंडर द मैट्रेस ऑफ हिज बेड। हरी रियलाइज्ड दैट ही हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल मोर देन अ मंथ। या मैं 1 महीने से काम कर रहा हूं इस आदमी के लिए, पैसा नहीं दे रहा यार ठीक है। ओके एंड हैड नॉट स्टोलन एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम द रूपी। भाई प्रोफेशनली मेरा प्रोफेशनल चोर तू, बाहर निकल क्या कर रहा है तू, तो चोरी नहीं कर रहा ठीक है। डियर ही हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल मोर देन अ मंथ एंड ही हैड नॉट स्टोलन एनीथिंग। 1 रुपए के अलावा मैंने क्या चुराया है? ओके हरी हैड मेनी चांसेस टू स्टील एज ही हैड द की टू द रूम एज वेल। मेरे पास तो कमरे की चाबी भी है, मैं तो जा सकता हूँ। बट ही वाज सरप्राइज्ड विद द अमाउंट ऑफ ट्रस्ट अनिल हैड ऑन हिम। पर उसके मन में आया भरोसा करता है यार ये आदमी मेरे पर, जल्द से भरोसा करता है यार ये। ऐसे आई नेवर सीन सच अ ट्रस्टिंग पर्सन इन हिज लाइफ। के उसने कभी नहीं देखा था कि इतना ज्यादा भरोसा कोई इंसान के ऊपर करता है। देखो मैंने पिछले वीडियो में भी बात कही थी, आपके माँ बाप भी देखो आपके ऊपर, आपका कभी मन करता है यार आज चलो माँ बाप का दिल दुखाते हैं, आज माँ बाप को तंग करते हैं, कभी मन करता है? क्योंकि आपके माँ बाप से प्यार बहुत करते हैं, जो आपको ज्यादा प्यार करते हैं, जो आपको मतलब प्यार करते हैं ना, ऐसे नहीं ज्यादा प्यार, जो आपको प्यार करते हैं ना उनके प्रति आपके मन में कभी नहीं आता कि इन्हें दुख पहुंचाते हैं, कभी नहीं आता ठीक है। तो अनिल को भी बहुत अच्छा महसूस करवाया गया था, तो फिर उससे भी ऐसे लगा कि नहीं यार कोई नहीं, इस बंदे ने मेरे पर ट्रस्ट किया। ओके ही वाज द ओनली पर्सन हु हैड मेड मी ट्रस्ट। ओके एंड इट्स लाइक दिस ट्रस्ट थिंग वाज प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम रॉबिंग अनिल एज हरी थॉट दैट रॉबिंग अ केयरलेस पर्सन लाइक अनिल डिड नॉट मेक मच अ डिफरेंस बिकॉज ही माइट नॉट इवन नोटिस दैट ही हैड बीन रॉब्ड। तो उसे लगा कि बॉस अनिल को तो पता भी नहीं चलेगा कि उसकी चोरी होगी, इतना केयरलेस आदमी है, अगले दिन जाके पार्टी करता। तो उसके मन में दोनों विचार आ रहे थे कि करूं ना करूं, अच्छी परी भी थी बुरी परी भी थी ठीक है। That took out of all the fun from the work. Then he thought of stealing Anil's money and justified himself that if he did not steal the money from Anil, he would waste on it. Friends and also, यानी कि वो कहता है दोस्तों के ऊपर वेस्ट कर देगा। Also Anil did not pay him for the work that he did. यानी कि उसे रोज खाना बना के देता था, उसकी कौन सी सैलरी देता था मुझे, इससे बढ़िया तो चलो ठीक है चुरा लेते हैं पैसे, सारा ब्याज एक साथ वसूल लेंगे। Hurry then woke up at the night and quietly crawled into the Anil's bed. तो वो धीरे 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 करप्ट वर्ड आ रहा था ठीक है, पैसे लिए अनिल के पास बेड के ऊपर। तकिया मैं सोच रहा ऐसे इस वीडियो पे ऐसे करके बनाऊंगा ठीक है। तो तकिया सो रहा था, उसने ऐसे ऐसे जाके देखने लग पड़ा, बैटरी रनिंग लो, बस थोड़ा सा लेक्चर है, ज्यादा नहीं लूंगा ठीक है, कंप्यूटर वगैरह बैटरी रनिंग। तो उसने ऐसे हाथ वाथ देखे कि अच्छा यहाँ पे पैसे मिले, चलो ठीक है यहाँ से पैसे उसने ले लिया ठीक है। ओके उस टाइम पे एक और चीज हुई थी क्या, जैसे वो ऐसे सो रहा था उसने क्रॉल लिया उसकी तरफ आ गया, उस टाइम एक लाइन भी आई थी कि वो जो उसके जो ब्रीथ थी ना वो अपने हैंड्स के ऊपर फील कर सकता था। कैसे वो ऐसे जा रहा था,
वो सांस ले रहा था तो उसके हैंड के ऊपर फील हो रही थी उसके सांस से, ठीक है। Hari then woke up at the night quietly and crawled to Anand's bed. He steals the money and decides to leave the city Lucknow by the express that departed. Departed means जो निकल चलती है कितने बजे? 10:30 बजे की ट्रेन से रफू चक्कर हो जाएंगे हम लोग तो। उसके बाद when he reached the station the train had slowly started moving. फिर वही जैसे शाहरुख खान की ट्रेन ऐसे नहीं जा रही होती, ना 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 ना, ट्रेन जा रही थी वहां से वहां। He could easily caught up the train. वो आसानी से ट्रेन पे चढ़ सकता था। ए बट ही हेसिटेटेड, उससे मन में एक डाउट है। ए ही हिमसेल्फ डिड नॉट नो, ए ही डिड नॉट नो द रीजन फॉर इट। उसके मन में आवाज है, उसके मन में ऐसा आवाज है कि नहीं रुकना है, ए रुक जाओ थोड़ी देर। बिफोर ही हैड रीच द स्टेशन ही हैड काउंटेड द मनी, इट वॉज 650 रुपीज नोट। मैंने बताया था बच्चा 50 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 600 आता है, इसे कहते हैं मैथमेटिक्स, ठीक है। He could level, levis means अरबों की तरह जिएगा, ठीक है, like अरब people, दुबई के शेखों की तरह जिंदगी जिएगा, okay, for 2 or 3 weeks के लिए, with so much money, पैसा ही पैसा होगा। After the train had left, Hari was alone and was left with no place to sleep at night, कोई पैसा वैसा कुछ नहीं था उसके पास सोने के लिए। उसके मन में आया कि the only person ही नहीं, उसके मन में आया चोरों के पास जाऊंगा मैं मेरे दोस्तों के पास तो वो तो पैसे चुरा लेंगे, या मैं कोई होटल वोटल लूंगा तो लोगों को शक हो जाएगा। तो उसे पता एक इंसान को मैं जानता हूँ, कौन था वो इंसान? जिस इंसान को मैं ठग के आया हूँ, सिर्फ वही एक इंसान था से मैं जानता हूं जो इस वक्त के ऊपर मेरी मदद कर सकता है, ठीक है। He sat on the bench in the park and as it started to rain, he sat down under the clock tower. एक clock tower के अंदर बैठ गया था, वो बाजार के थ्रू जा रहा था। Then he realized that the notes got wet. कि जो नोट थे वो क्या हो गए? गीले हो गए। इसका आगे रेफरेंस है, ओके। He realized that the learning how to read and write would help him to create much more respectable and honestable job which would pay him much more than these few hundred rupees. यानी कि 600 रुपए क्या चीज है? अगर मुझे पढ़ना लिखना आ गया ना, अगर मैं पढ़ाई लिखाई बढ़िया कर ली तो मैं कितना रिस्पेक्टेबल पर्सन बन जाऊंगा। चोरी चकारी में क्या आज ये 600 रुपए कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे, फिर वापस किसी ना किसी कैसे करूंगा? क्या अनिल जैसा आदमी मिल जाएगा मुझे? नहीं मिलेगा अनिल जैसा आदमी वापस। क्यों? क्योंकि भगवान फरिश्ते एक बार ही भेजते हैं, लेकिन आपको समझने की उन फरिश्तों को आपको कैसे उनके साथ ट्रीट करना है। अगर आप उन्हें इज्जत नहीं दोगे, नथिंग विल हैपन आपके साथ, आपका ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है। ऐसे नथिंग विल हैपन कुछ होगा ऐसे नहीं, नथिंग विल हैपन विद यू, ओके। इसकी बैटरी थोड़ी लो है ना, इसलिए ऐसा हो रही है थोड़ा, बस एक सेकंड रुकूंगा, ज्यादा नहीं रुकूंगा, ठीक है। एक काम करता हूँ, पेन से तो नीचे लगा दिए, एक बार ऐसा हाथ से समझा देता हूँ आपको सारा, ठीक है। कहाँ पे था हम? Then he decided to go back to Anil, Anil's house, okay? वो कहता है कि वापस अनिल के घर पे चलते हैं। Then he reached the home and placed the money back, उसने वापस पैसे रखा, क्यों? उसे रियलाइज हो गया था यार, यार ये इन सारी चीजों के लिए नहीं बना मैं पढ़ लिख सकता हूँ, मैं आगे बन सकता हूँ, इससे आपको वैल्यू ऑफ एजुकेशन पता चल गई होगी। यार जो बंदा पढ़ने के लिए इतना है कि नहीं कोई बात नहीं, चोरी चकारी में क्या पढ़ा है? कुछ नहीं पढ़ा। वैसे मैं कहता हूँ बुरी चीजों में कुछ नहीं पढ़ा है, आपको अपने आपके मन को समझाने की नहीं, उसके मन में। यहाँ पे इस चैप्टर के मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, जैसे पहले पूरा कर दूं, कहीं बीच में बंद हो जाए तो आपकी समझ की 2-3 लाइनें रह जाए, ओके। ही वॉक अप अ बिट लेट, अगले मॉर्निंग वो थोड़ा लेट उठा था। अनिल हैड ऑलरेडी मेड अ टी, उसके लिए चाय बना के तैयार रखी थी। अनिल ने उसे कितने रुपए दिए? 50। वो कितना सोच रहा था? उसने सोचा था कि यार क्या होगा, कल सुबह अनिल मुझे 1 या 2 रुपए देगा और कहेगा जा सिनेमा में जाके पिक्चर देख। लेकिन ऐसा हुआ था ना? उसने क्या हुआ, उसका अपोजिट हुआ, क्या हुआ? उसने उसे 50 रुपए दे दिए, 50 रुपए, ठीक है। As he had got paid for some work and he would be paid regularly, उसने कहा कि बॉस अब देख मैंने तुझे 50 रुपए दिया, इससे वो उसने फिल्म का तो गाने पर अनिल के मन में था फिल्म का, ठीक है। तो लेकिन उसके बाद उसने कहा था कि बॉस ये ले 50 रुपए और अब से तुझे मैं रोज पे करूंगा। और आज हम क्या सीखने वाले हैं? सेंटेंसेस को कैसे लिखते हैं, ठीक है। Hari took the note in his hand and realized that the note was still wet. यार अभी भी नोट गीला है, कुछ कुछ गीला गीला सा है। Hari realized that Anil had come to know about his misdeed, but there is no one, no sadness, anger or guilt in his mind as he has saved himself from the wrong road. उसने कहा यही तो चीज आपको सिखाती है। देखो आपको जिंदगी के अंदर है ना हमेशा अच्छे, मतलब दो रोड्स मिलती हैं, जैसे 2 रोड्स होते हैं ना, एक तो आता था हमारे फोन टीवी के ऊपर। आपको लाइफ के अंदर अच्छी चॉइसेस भी मिलेंगी, बुरी चॉइसेस भी मिलेंगी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि बॉस मुझे अच्छी चॉइसेस लेनी है बुरी चॉइसेस लेनी है। आप अच्छी चॉइसेस लोगे तो आपका भला होगा, बुरी चॉइसेस लोगे तो बस कुछ नहीं होगा, आपकी लाइफ बस ऐसे अनस्टेबल। देखो ये जो छोटे छोटे प्लेजर्स होते हैं ना, जैसे आपको सिगरेट हो गया, ये स्मोकिंग हो गया, जो मर्जी चीज होगी, एक टाइम के लिए बहुत आनंद देती है यार, मतलब ऐसा लगता है यार मैं ही राजा हूं यहां का। लेकिन एक टाइम आता है जहां पे मैंने खुद ने मेरे कुछ फैमिली मेंबर्स को देखा हुआ जो
स्टार्टिंग के अंदर किसी प्रकार के नशे के अंदर थे, लेकिन वो नशा है ना स्टार्टिंग में बड़ा प्यारा लगता है यार, नशे के अंदर है, जिंदगी मस्त चल रही है, लेकिन जब एक एज आती है ना तो वो नशा आपको नहीं आपके पूरे परिवार को नुकसान पहुंचाता है। और मैं नहीं चाहता कि मेरे कोई भी अगर ऐसा स्टूडेंट हो, मेरा नहीं है, दुनिया का कोई स्टूडेंट हो, वो इस तरीके की गंदी लतों के अंदर पड़े। और यहाँ पे भी मैं आप लोगों को इतना ये देखो, मैं चैप्टर में हमेशा एक चीज इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं जनरली मैम जितनी भी स्टडीज करते हैं मैं देखता हूँ अपने आसपास बहुत छोटे छोटे बच्चे जो है इसे बहुत फैसिनेटिंग मानते हैं, वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे है कि आपका मन है ना, आपको अपने मन को काबू में रखना है। इस चैप्टर से हम क्या सीखते हैं कि हमें अपने मन को काबू में रखना है। हरि को स्टार्टिंग के अंदर लगा था, दोनों परी आई थी, अच्छा भी लग रहा था, वो अच्छी परी भी आई थी, बुरी भी आई थी। अच्छी परी क्या कह रही थी कि भाई मत कर, ट्रस्ट मत ब्रेक करो किसी का रहेगा। और बुरी परी क्या कह रही थी कि चलो यार कोई बात नहीं ऐसे। तो आपका मन आपको बहुत बार ऐसी चीजें कहेगा कि कोई बात नहीं, उससे कुछ नहीं होता, होता है बॉस। आपको कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ना। अनिल के साथ अच्छा क्यों हुआ इस मूवी के अंदर, क्यों? क्योंकि अनिल ने अच्छा काम किया। क्या? एक तो हरी को पढ़ाया, तो उसके देखो अच्छा काम किया तो उसे बुक पब्लिश होगी, 600 रुपए मिल गए। दूसरा क्या हुआ कि उसने पूरा प्रेस किया ना, ऐसे कोई चोर लेके जाता वापस थोड़ी ना आता है चोर, लेकिन वो चोर वापस आया। क्यों? क्योंकि इंसानियत की वजह से आया वो चोर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से चैप्टर के अंदर सीखती है, सीखनी है कि कैसे चैप्टर आपको डेवलप करता है। नॉट ओनली आपको सिर्फ मार्क्स दिलवाने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन आपको रियल लाइफ में एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है यार, रियल लाइफ में सबसे अच्छा इंसान बनाना वो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। परसेंटेज वाले तो बोर्ड टॉपर बैठे हुए हैं, ठीक है, कुछ नहीं होता। मेरे खुद के आए थे 95.2% क्लास 12th में, बैठा हूँ बेबी मैं मेरे घर के अंदर, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होता एक महीने के अलावा। जिस दिन 12 मई को रिजल्ट है, 12 जून के अंदर सारा असर खत्म, ठीक है, एक महीने की चांदनी है। लेकिन अगर आप एक अच्छे इंसान हो ना तो आपकी चांदनी पूरे 12 महीने, ठीक है। तो फिलहाल तक देखा जाए बॉस, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन डन, हमारी समरी डन, बचे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अच्छे इतने बढ़िया एनसीईआरटी सॉल्यूशन लेके आओ ना, आप कहोगे सर मजा आ गया, ठीक है, बहुत आसानी तरीके से करेंगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो जानी चाहिए इससे कि आपको समझ आ जानी चाहिए आंसर कैसे लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले रीड आउट एंड फाइंड आउट पेज नंबर 8 वाले क्वेश्चंस करेंगे, छोटे से क्वेश्चन है। व्हाट डस आई रेफर इन द एंटायर स्टोरी, पूरी कहानी में आई कौन थे, हमारे नरेटर थे, नरेटर का नाम क्या था, रस्किन बॉन्ड, और चैप्टर के अंदर उनका क्या नाम था, हरी सिंह, ठीक है। आई रेफर टू हरी सिंह द नरेटर ऑफ द स्टोरी हु इज 15-year-old एक्सपीरियंस, ठीक। यहाँ पे आप रस्किन बॉन्ड जी का भी एक स्पेशल मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, व्हाट इज ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट, वो कहां पे साफ सफाई करने में बढ़िया था, रॉबरी करने के अंदर, चोरी चकारी के अंदर, ठीक है। ही वाज अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट स्टीलिंग, स्टीलिंग का मतलब होता है चोरी चकारी करना। ही वाज एन एक्सपीरियंस थी, वो क्या था, एक एक्सपीरियंस थी था। ही वाज क्लीन एंड स्विफ्ट इन हिज वर्क, क्लीन एंड स्विफ्ट मींस बड़ी साफ सफाई से अपना काम करता था, ठीक है। दैट ही रॉब पीपल विदाउट बीइंग कॉट, यानी कि बड़े आसानी तरीके से लोगों को ठगता था ये। क्वेश्चन नंबर 3 देखे, व्हाट डस ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क, यानी कि उसे क्या मिला अनिल से इन रिटर्न ऑफ हिज वर्क, यानी कि जो भी वो काम करता उसके बदले में उसे क्या मिलता था, उसे खाना देगा, ठीक है, उसके अलावा वो पढ़ाता भी था उसे, ठीक है। इन रिटर्न हरी सिंह वर्क अनिल विल गिव हिम अ फूड एंड प्लेस टू लिव, इसके साथ पढ़ाना लिखाना, राइटिंग सेंटेंसेस, ये सारी चीजें भी एडिशन में थी, ठीक है। अब पेज नंबर 10 पे आइए, पेज नंबर 10 पे देखिए क्या क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखे, व्हाट डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट, यानी कि हाउ डज द थिंग, जो हमारे चोर है उन्हें कैसा लगा कि अनिल कैसे रिएक्ट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू हरी अनिल वुड बी सैड नॉट बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ मनी बट बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ ट्रस्ट ही हैड ऑन हरी। तो ये कहां की बात हो रही है, आपको पता है क्वेश्चन पढ़ने के बाद है ना आइडिया मिलना चाहिए, कब की बात हो रही है, लास्ट की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हरी को कैसा लगेगा, हरी को बुरा लगेगा, वो हमारे अनिल जी को कैसे लगेगा, अनिल को बुरा लगेगा, क्यों, क्योंकि वो इसे इस चीज का बुरा नहीं लगेगा क्या चोरी होगी, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमारे उन्होंने कहा केयरलेस मैन को इतना नहीं होता, लेकिन उसे पता क्या हो गया, मैंने इस बंदे पे भरोसा किया था, भरोसा टूटने का दर्द होगा उन्हें। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट डस ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड, उन्होंने अलग अलग रिएक्शंस बताए थे। जैसे ग्रेडी पीपल होगा वो डर के अंदर, यार मेरा पैसा चलो गया, क्यों हो गया हमारा भाई, हमारा पैसा चला गया। रिच मैन क्या होगा, वो एंग्री होगा, ओह माय गॉड पीपल हैव सो मच क्लेवर दे हैव रॉब्ड माय मनी। इस तरीके से गरीब का क्या होगा, एक्सेप्टेंस, ये भी ये क्या पता ये आया था वो चला गया, क्या है ये होता है गरीबों का। आपको पता है जो इंसान इतना ज्यादा टूट चुका होता है ना उसके मन में बार बार ऐसे नहीं आते रिएक्शंस, वो कहता है कोई बात नहीं इतने दुख में थे और दुख में जी लेंगे, क्या होता है, ये सेम बात है। हरीज एक्सपीरियंस है द थॉट ही मेड ऑफ द अवेयर ऑफ द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ द पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड, यानी कि जब वो चोरी करते तो अलग अलग क्या रिएक्शंस होते हैं। देखो एक ग्रेडी मैन क्या दिखाता है, फियर दिखाता है, रिच मैन एंगर दिखाता है, पुअर मैन एक्सेप्टेंस दिखाता है। बहुत अमीर बहुत बढ़िया बात कही उन्होंने। लालची व्यक्ति का क्या होता है, पैसा चला गया, पैसा 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 करते रहते हैं सारे, पैसा चलेगा लोग पैसा चलोगे, बढ़िया पीपल काइंड ऑफ, ठीक है।
मैं यहाँ पे एड्रेस नहीं कर रहा किसी को, पर ऐसे कहते हैं ना कि बढ़िया पीपल्स होते हैं ना, कि बढ़िया होते हैं कि प्रॉफिट भले लाखों करोड़, अरे भाई हमारे कटकट है, बढ़िया पीपल नुकसान हो जा रहा है भाया, मेरा नुकसान हो गया, ओके हो गया, अरे भाया मेरे साथ ये दिस इज अ काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, आई एम नॉट एड्रेसिंग किसी को भी, मैं ऐसे नहीं कह रहा, बस ऐसे है कि ऐसे जस्ट लाइक मुझे अभी तक मैं बचपन से ऐसी कहानी सुनता हूँ कि बढ़िया पीपल है ना बड़े ऐसे समझदार होते हैं कि पैसा आता है ना तो वो किसी को बताते नहीं है। मेरे पड़ोस में एक बढ़िया करोड़ों के मालिक ऐसे बताएंगे नहीं बनिया पीपल, लेकिन अगर कहीं पे नुकसान हो जाए तो 50 जगह ढिंडोरा पीटता रहे भाया क्या हो गयो, अरे मारो पीसा चला गया, कितना 5 लाख कमाया, कितना 5 करोड़, ऐसे होते हैं बनिया पीपल। ठीक है, नो हेट टू देम, बहुत बढ़िया पीपल होते हैं बनिया पीपल, आर वेरी स्वीट। पर आपको दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा डोनेशन इंडिया के अंदर बनिया पीपल करते हैं। ठीक है, दिल के भी साफ होते हैं, ऐसे बुरी बात नहीं है, दिन के सबसे ज्यादा डोनेशन किया जाता है बनिया पीपल्स के द्वारा। आई गेस 62% ऑफ द टोटल डोनेशन इन इंडिया कौन करता है, बढ़िया पीपल करते हैं। ओके, एंड अ पुअर मैन, यानी कि पुअर मैन एक्सेप्टेंस दिखाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, डस अनिल रियलाइज दैट ही हैड बीन रॉब्ड, क्या अनिल को ये रियलाइज होता है कि अनिल जो अनिल भाई साहब है कि वो रॉब्ड हो गए? हाँ, उन्हें पता चल जाता है, गिले नोट देख के सबको समझ में आ गया, आंसर यस, अनिल रियलाइज दैट ही हैड बीन रॉब्ड एंड एस ही गिव हिम अ 50 रुपीस नोट व्हिच वाज स्टिल वेट ड्यू टू द लास्ट नाइट रेन, जो आखिरी रात को जो बरसात हुई थी उस बरसात के अंदर वो आज भीग रहा था। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है यार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं मार्क में करता हूँ मैंने। ठीक है, एक साइन भी कर दूं अपना, आज अच्छा चल रहा है, पेन स्मूथ है ना, मजा आ रहा है, सॉरी इसे काट देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट आर हरी सिंह रिएक्शन एज ही वो, ओके व्हाट आर हरी सिंह रिएक्शन एट द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रिसीविंग एन एजुकेशन, प्रोस्पेक्ट मींस जब उसे रिसीव होने लग गए एजुकेशन तो उसके मन में क्या क्या थॉट्स आए थे, उसके मन में आया कि यार कम ऑन यार, अब मैं क्या कर कि अब मुझे अच्छी एजुकेशन मिलेगी, अब मैं अच्छे से पढ़ पाऊंगा, अब मेरे पास सारी बढ़िया चीजें होंगी, मैं एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जी पाऊंगा, ये सारी चीज आई थी उसके दिमाग के अंदर, और मैं एक सक्सेसफुल थी बन जाऊंगा, मैं पढ़ा लिखा थी बन जाऊंगा, ये सारी चीज आई थी। ओके, डू दे चेंज ओवर टाइम, क्या वो जो थॉट्स थे वो चेंज हुए ओवर टाइम? हाँ, पहले उसके मन में क्या था, मैं पढ़ा लिखा चोर बनूंगा, अब उसके मन में मैं अच्छा रिस्पेक्टफुल पर्सन बनूंगा, बट मेक सेम रिटर्न टू अनिल, और क्या चीज थी जो अनिल के पास उसे वापस ले आई, वो चीज थी उसका ट्रस्ट। ठीक है, सारे आंसर थे एक एक नंबर के अंदर है, अच्छे से आप डिपेंड देखना क्या लिखा हुआ इसके अंदर। हरी वॉज वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल व्हेन ही लर्न्ड टू राइट हिज नेम, ही वॉज वेरी एक्साइटेड व्हेन अनिल प्रॉमिस्ड हिम टू टीच हिम टू राइट होल सेंटेंसेस एज वेल, वो बड़ा खुश हुआ था, ही न्यू दैट बीइंग एन एजुकेटेड मैन विल ऐड ऑल हिज टू एबिलिटीज, उसकी एबिलिटीज के अंदर ऐड कर देगा, कौन सी एबिलिटीज, चोरी की एबिलिटीज के अंदर, एंड ही कुड अचीव एनीथिंग, वो कोई भी चीज चुरा सकता है, बट व्हेन अनिल लेफ्ट हाउस ही रियलाइज्ड दैट स्टीलिंग वाज सिंपली अ क्राइम, कि वो चोरी चगारी करना क्या है, क्राइम है एक तरीके का, बट बीइंग एन एजुकेटेड ही वॉज entirely different thing, पर अगर वो पढ़ लिख लेगा तो वो क्या हो जाएगा, पढ़ा लिखा चोर कहलाने से बड़े पढ़ा लिखा आदमी कहलाएगा, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, उसके लिए एक respectful life जी पाएगा, he knew the respect, reputation, reputation का मतलब इज्जत होता है, possibilities, that possibilities means chances, that will come to him, chances यहाँ पे किस चीज के, ये पढ़ा लिखा आदमी है तो वो क्या एक अच्छे, वो अगर एक अनपढ़ आदमी है और एक पढ़ा लिखा आदमी है, जहां मर्जी जाए पढ़े लिखे को ही लोग प्रेफर करेंगे, क्यों, बिहेवियर में दिखता है यार इंसान के पढ़े लिखा होना, जैसे उसके पास एजुकेशन आई, ये बिकम एन एजुकेटेड पर्सन, उसे लोगों को बोलना चालना ये सारी चीजों का आ जाएगा और वो अच्छे से काम कर पाएगा, और एंड सो हिज अर्जेस टू रिसीव एजुकेशन कंपेल्ड हिम टू रिटर्न टू अनिल, उसके मन में जो था ना यार मैं एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जीना चाहता हूँ, ये चीज ने उसे मोटिवेट किया कि चलो यार अनिल के पास वापस चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, सेकंड नंबर क्वेश्चन, हाउ डज अनिल Not hand the thief over to the police, क्यों नहीं किया, इंसानियत यार अनिल के अंदर, अनिल was a very good person according to me, क्योंकि इंसानियत उसके अंदर, वो चाहता तो छोड़ देता उसे, जाओ पुलिस के पास हवाले कर दिया, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं, क्यों नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि बंदे अज, पता क्या आपने कभी तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा, उसमें बड़ी अच्छी चीज होती है, चंपक चटर्जी से कभी कोई माफी मांगता है ना वो माफ कर देते हैं, वो पता क्यों, कभी वो पुलिस काफी और देखा होगा आपने, वो बेड़े सोड़ी ये सारे कहते हैं आप पुलिस को बुलाओ पुलिस को बुलाओ, चंपक चाचा कहता है नहीं पुलिस को मत बुलाओ, गलती का एहसास होना इंसान के लिए सबसे बड़ी चीज होती है, जिस इंसान को पता चल गया मेरी गलती, उसने मान लिया और माफी मांग ली, या फिर ऐसा कुछ एक्शन किया जिससे उसे लगा कि हाँ ये सुधर गया, तो उसे मौका देना चाहिए यार, लाइफ अगर आप किसी को मौका दोगे ना तो लाइफ आपको दूसरा मौका जरूर देगा, और मौका बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार, सबको दूसरे मौके की तो आवश्यकता है इस लाइफ के अंदर, सब लोग अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं, लेकिन अगर हम बड़ा होकर उन्हें दूसरा मौका ना दे फिर तो बस काम ही टेढ़ा है माड़ा है।
डू यू थिंक द मोस्ट पीपल वुड हैव डन सो? क्या ज्यादातर लोग ये करते नहीं? ये दुनिया पापियों की भरी पड़ी है, कलयुग चल रही है। इन व्हाट वे इज अनिल डिफरेंट फ्रॉम सच एम्प्लॉयज? अनिल किस तरीके से डिफरेंट है ऐसे लोगों से? क्योंकि जो दूसरे एम्प्लॉयज होते हैं वो क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, एम्प्लॉयर मीन्स मालिक जो होता है, ठीक है, एम्प्लॉयर्स, ठीक है। दो मैं आपको थोड़ी कॉमर्स पढ़ा दो मिनट के लिए, ठीक है। एम्प्लॉयज होते हैं काम करने वाले, एम्प्लॉयर्स होते हैं, आपको मन में आ रहा होगा, एम्प्लॉयर्स होते हैं काम देने वाले, एम्प्लॉयर्स साथ काम देने वाले, एम्प्लॉयज साथ काम करने वाले, ठीक है। आर का फर्क है, आर से रजत, इसलिए राज करने वाला, ठीक है। आंसर, अनलाइक अदर, अनिल डज नॉट हैंड ओवर टू द पुलिस ऑन द थर्ड चार्जेस, चोरी के मामले में उन्होंने नहीं किया। ही न्यू अबाउट द थर्ड बट ही डिड नॉट बीट और नॉट इवन मेंशनड इन फ्रंट ऑफ हरी, यानी कि उन्होंने इतना अच्छा बिहेवियर किया, उसने ना मारा पीटा, गुस्सा गुस्सा चलाया, कुछ भी नहीं, इवन उसे पता भी नहीं चलने दिया हरी को कि मुझे पता है तूने कल रात को चोरी करी थी, कुछ नहीं किया। ही वॉज ग्लैड दैट हरी रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, गलती का एहसास हो गया ना यार, तो ये गलती का एहसास है, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन लाइफ, और तुझे इतना आया, देखो पता है क्या, आप पढ़, जब तक ढंग से नहीं पढ़ पाओगे, जब तक आपको इसकी अहमियत का पता नहीं चलेगा, ठीक है। अब जैसे अगर आपके पास आंखें हैं, कल आपके मान लो भगवान ना करे, लेकिन कल सुबह आप उठो, आपको दिखना बंद हो जाए, तो आप कैसे हो गए, यार हे भगवान जी मुझे आंखें दे दो, आंखों की वैल्यू पता चल जाएगी आपको। वैसे ही जब तक आप, उसके बाद आप आंखों को बहुत ध्यान रखोगे, पहले तो आप रातों को कोई बात नहीं, आंखें हैं भगवान ने दी हैं, सबके पास होती है, लेकिन जब चली जाएंगी ना तब आपको समझ में आएगा। वैसे ही जब तक इंसान के मन के अंदर उसे इंपॉर्टेंस लगी ना कि यार पढ़ाई करनी है मुझे, मुझे पढ़ना है, जैसे उसके मन में उसे कहा कि यार ये बंदा सुधर गया, अब देखो इसके साथ, अब देखो ये बंदा फाड़ेगा लाइफ में। ओके, अनिल वांटेड हरी टू बिकम अ लिटरेट पर्सन एंड लेट अ रिस्पेक्टफुल लाइफ, एक अच्छी लाइफ जिए वो। ही इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सच एम्प्लॉय बिकॉज ही इज वेरी अंडरस्टैंडिंग, समझदार व्यक्ति था। हरी रिटर्न एंड गिव हिम द होप ऑफ अ चेंज इन हिम, कि मौका दो यार, इंसान को मौका मिला जाए तो क्या कुछ कर सकता है वो इंसान, मौका देना चाहिए। आप लोगों को भी कभी कोई व्यक्ति ऐसा मिले जिसे आपको मौका दो, मौका देने का आप बहुत खुशकिस्मत होते हैं, बहुत सौभाग्यशाली होते हैं जो दूसरों को मौका दे सकते हैं, मौका जरूर देना यार, क्योंकि लाइफ के अंदर आपको भी किसी ने कभी मौका जरूर दिया होगा, ठीक है। मुझे भी बहुत मौके दिए लाइफ ने, और मैं इसलिए हमेशा आप लोगों को रियल लाइफ लेसन ज्यादा देने की कोशिश क्यों करता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत बोरिंग लगता है कि टीचर आती है क्लास में पढ़ा देती है कि ये वर्ड मीनिंग्स लिख लो, ये एनसीईआरटी सॉल्यूशन रट लो, ये समरी पढ़ लो, चैप्टर्स है ना, एनसीईआरटी पागल नहीं है ये ऐसे चैप्टर देते हैं। आप लोग खुद सोच के देखो, सीबीएसई को पता है कि सीबीएसई को पता है कि क्लास 10th हो, 9th हो, 8th हो, जो मर्जी हो, अगले आप मेडिकल लो, नॉन मेडिकल लो, कुछ मदार बच्चे कॉमर्स लेंगे या आर्ट्स लो या जो मर्जी लो, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि सीबीएसई फिर भी आपको है ना, सीबीएसई नहीं हर स्टेट बोर्ड एक लैंग्वेज सब्जेक्ट रखती है और उसके अंदर चैप्टर्स आते हैं, तो ये चैप्टर्स किस काम आएंगे मेरे आगे जाके, मैं क्या ये बताऊंगा, मेरे जॉब इंटरव्यू के अंदर मैंने लेंचो के बारे में पढ़ा था, मैंने इसके बारे में पढ़ा था, आते क्यों हैं चैप्टर्स, क्योंकि इंग्लिश का मेन मोटिव क्या है सीबीएसई का, आपको पता है मेन दिक्कत क्या होती है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हम पढ़ा तो रहे हैं लेकिन हम ये नहीं पढ़ा रहे कि तुम्हें पढ़ना क्यों है, ये पढ़ा ही नहीं रहा, आपको हिंदी क्यों पढ़ाई जाती है पता नहीं, इंग्लिश में क्यों पढ़ा रहे हैं, ये इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज सब्जेक्ट क्यों दे रहे हैं, ताकि आपको ये चैप्टर, आपको एक तो कमांड स्ट्रॉन्ग हो इसके ऊपर, दूसरा आपके जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने आंसर है, किसमें लिखते हो, इंग्लिश में लिखते हो ना, लैंग्वेज के ऊपर कमांड है, दूसरे चैप्टर्स क्यों देते हैं फिर, तो सीधा इंग्लिश के अंदर सेंटेंस फॉर्मेशन ये सीखो, चैप्टर्स क्यों देते हैं, ताकि लाइफ लेसन मिले आपको। अब हमें पता है कि छोटा बच्चा नॉवेल्स नहीं पढ़ेगा जिसके अंदर लाइफ लेसन है, तो ये नॉवेल्स में से कुछ निकाल के आपको लाइफ के लेसन देना चाहते हैं, इसलिए कहता हूँ चैप्टर्स को समझो, बहुत बढ़िया चैप्टर्स है, और मेरी भी आग्रह है कि जितने भी दूसरे टीचर ना वो भी इस तरीके से पढ़ाएं बच्चों को, कि वो समझे कि यार इस तरीके से पढ़ाना है, ऐसे नहीं कि बस ऐसे बस मार्क्स के लिए पढ़ा रहे हैं, मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्क्स तो एक महीने का सुपरस्टार मैं भी था, बाद में कुछ नहीं है, बाद में मैं भी वहीं पे ही हूँ और 36% वाले भी वहीं पे ही है, ठीक है। Do you think people like Anil and Hari are found? Okay. Do you think people like Anil and Hari are found only in fiction or are such people in real life? देखो होते हैं मेरे जैसे कुछ अच्छे लोग होते हैं सॉरी नहीं होते मतलब इट्स डिपेंड यार कि अच्छे लोग भी हैं दुनिया के अंदर, बुरे लोग भी हैं, ठीक है, हम ऐसे नहीं कह सकते सिर्फ अच्छे लोग हैं, बुरे लोग भी, और काफी लोग ऐसे हैं कि जो अपनी ईगो क्लासेज या इन सारी एक क्या नाम सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से दूसरों को दबाते हैं हम, ठीक है। ये टॉक्ड अबाउट इट, कह रहे ये जितने भी क्वेश्चन सभी कर रहा हूँ, 5 नंबर के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए बढ़िया क्वेश्चन है। देखो पीपल लाइक अनिल एंड हरि आर फाउंड ओनली इन फिक्शन, इन्होंने कहा मेरे जैसे भी कुछ लोग होते हैं, मेरा एक्सेप्शन देना रह गया, ठीक है। थ्रू एक्सपेक्टेशन माइट बी देयर दैट दीस पीपल आर रियली फाउंड, कुछ रियली फाउंड होते हैं, थैंक यू सो मच गाइस, ठीक है। अनिल वॉज काइंड एंड कंसिडरेट पर्सन हु वॉज कंसर्न अबाउट हरीश एजुकेशन, बहुत ज्यादा कंसर्न था यार, इतना मुझे नहीं लगता आज के टाइम में भी ऐसे कोई अच्छे लोग हैं मेरे अलावा। And Hari was a thief who heard changes after realizing the importance of education for his future.
इट हैपेंस यार, काफी अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। इस कंसर्न में सबसे यहाँ पे तो मेरी सोच है, मुझे आप लोगों की सोच ज्यादा अच्छी लगेगी, ठीक है। मैं अपने व्यूज जरूर दूंगा ताकि आपको आंसर फ्रेमेशन में आसानी हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, डू यू थिंक इट इज अ सिग्निफिकेंट डिटेल इन द स्टडी दैट एनालिसिस स्ट्रगलिंग राइटर डज दिस एक्सप्लेन हिज बिहेवियर इन एनी वे। हाँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्होंने बताया स्ट्रगलिंग राइटर है, तभी तो हमें पता चला कि बॉस वो इतना कैपेबल नहीं था जॉब का, लेकिन उसने फिर भी जॉब दी, क्यों? क्योंकि वो मदद करना चाहता था, ठीक है। ऊपर से उसका जो बिहेवियर था वो भी थोड़ा केयरलेस था। देखिए, यस इट इज अ सिग्निफिकेंट डिटेल दैट अनिल वाज अ स्ट्रगलिंग राइटर, हिज लाइफस्टाइल वाज सिंपल एंड ही यूज्ड टू स्पेंड एंड अकॉर्डिंग टू हिज पॉकेट्स, यानी कि वो अपने अपने जैसे जितना पैसा मिलता था उतना रहा देता था, इतना अमीर राइटर तो था नहीं वो। His struggle sometimes gave him a lot of income, while at the other time he used to worry about the next payment. Hari's observation about this continuation in his work justifies as he being regarded as money, यानी कि जिस तरीके से वो पैसों को ट्रीट करता था, हरी को ट्रीट करता था, और जिस तरीके से वो खुद रहता था, अब उसने पता है क्यों मौका दिया? क्योंकि उसे किसी ने शायद मौका नहीं दिया था। He was a struggling writer, ठीक है। कुछ लाइनें होती हैं जो आपको यूज करनी चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आप क्या लिख सकते हो, हरी को मौका नहीं मिला था, अनिल को मौका नहीं मिला, क्या पता किसी राइटर ने, बड़े पब्लिशर ने मौका नहीं दिया, लेकिन उसने देखा कि यार हरी को तो मैं दूसरा मौका दूं, तभी तो वो दे रहा था मौका, ठीक है। हैव यू मेट एनीवन लाइक हरी सिंह, क्या आप हरी सिंह जैसे मिले हैं? नहीं, अभी तक मैं नहीं मिला। कैन यू थिंक, मैं हरी सिंह तो नहीं, पर मैं एक इंसान से जरूर मिला हूं जिसकी लाइफ में मैंने बहुत बड़ा परिवर्तन किया था, ठीक है। कैन यू थिंक एंड इमेजिन द सर्कमस्टेंसेस दैट कैन टर्न अ 15 ईयर ओल्ड बॉय इनटू थीफ, गरीबी, भूखा पेट और न जाने कितने कारण है। मैं सोच रहा हूँ कि कौन कौन से बताऊं आप लोगों को। इंडिया के अंदर आज भी 40% ऐसे लोग हैं जिन्हें एक वक्त का, तीन वक्त का जो खाना होता है ना, वो भी नसीब नहीं होता। 40% आप लोग देखो आराम से यूट्यूब पे पहले बैठे बैठे कौन सी फिल्म आई है, एनिमल जरा देखने चलते हैं, पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ। 40% लोगों को खाना नहीं मिलता इस लाइफ के अंदर, और आप बहुत खुशकिस्मत हो कि भगवान ने आपको इतना कैपेबल बनाया। हम काफी बार सोचते हैं कि यार हमें जैसे कैसा लगता है ना कि यार ना हमारे पास दिमाग है, ना हमारे पास बॉडी है, ना हमारे पास कुछ अच्छे गुड लुक्स हैं, हम तो जिंदगी के अंदर भगवान ने जिंदगी झंड के रखी है, माँ बाप मारते रहते हैं ऐसे ऐसे। माँ बाप है ना, बड़ी बात नहीं है। खाना है ना, बड़ी बात नहीं है। घर है ना, बड़ी बात नहीं है। काफी लोगों की तो उम्र निकल जाती है, घर भी ढंग से नहीं बना पाते, तो अपनी लाइफ से खुश रहो, ठीक है। तो ये बता देना यार अपना अकॉर्डिंग, ठीक है। आप हरी सिंह जी, देखो ये आंसर से ना मैं बता देता हूँ, नो आई हैवंट, ये इन्होंने कहा कि नो आई हैवंट, मैंने एक मैं एक लड़के से जरूर मिला था अपनी 9th क्लास के ऊपर, ठीक है। ही वॉज, वो बहुत ज्यादा फियरफुल, मैं मेरी कहानी शेयर करता हूँ। तो मैं एक बच्चे से मिला था, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, एम से नाम स्टार्ट होता है। तो मैं एक बच्चे से मिला था, तो व्हाट हैपेंड वाज दैट कि 9th क्लास के अंदर वो आया था नया। अब वो क्या था कि वो आते डर गया, ठीक है, क्योंकि हम वो आया था ना जहाँ से, वहाँ पे इतना ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी, और वो आया ना हमें देख के डर गया, ठीक है। मेरे दोस्त हम मतलब ऐसे कि यहाँ पे हमारे स्कूल में तो बहुत टफ कंपटीशन था, कि सबको चाहिए था कि सारे एकदम टफ से टफ, वो डर गया और वो उस तरीके से उन्होंने पढ़ाई करना बंद कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि यार वो तो कभी लाइफ के अंदर कुछ कर नहीं पाएगा, वो ये तो इतने बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है, कि इनके साथ कैसे भिड़ूंगा मैं। फिर मैंने उसे समझाया था कि मैं भी काफी, मैं भी एक टाइम था ऐसा 6th क्लास के अंदर, मैं भी बहुत ऐसे डरता था इन लोगों से कि यार ये तो क्या है, भगवान है, ये तो इनके साथ थोड़ी ना हम इनसे कभी जीत पाएंगे। लेकिन मैंने कहा कि जब हम डिसाइड कर लेते हैं ना, हम काफी समझते हैं यार ये तो कॉम्पिटिशन, हम क्यों लड़े। लेकिन जब आप देखते हो ना ढंग से कि कॉम्पिटिशन, वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, और मैं जीत सकता हूँ यार। जब आपके अंदर भूख आती है, उसके अंदर भी भूख पैदा करवाई थी, मैंने कहा तू लड़ सकता है। और नाउ ही इज इन, आई गेस इन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर है, 12th क्लास के अंदर ही गॉट, हाउएवर ही वाज नॉट एबल टू स्कोर इन जेईई के अंदर, नहीं कर पाया था, बट डेफिनेटली बहुत ही उसके मन में एक पॉजिटिव अप्रोच जो मैंने डाली थी, आई थिंक डेफिनेटली शायद उसने नहीं डालता तो शायद आज वो यहाँ पे, मतलब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर भी ना सोचता। बट डेफिनेटली मैंने भी एक पर्सन की लाइफ में, और मुझे आई रियली फील प्राउड कि मैंने किसी ना किसी की लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस तो करे हैं। ऐसे आप लोग भी करो और दूसरों की मदद करो, ठीक है। लाइफ इज वेरी स्मॉल यार, किसी से दुश्मनी मोल लेने का ज्यादा टाइम नहीं आपके पास। ओके, वेयर इज द स्टोरी सेट, कहाँ पे? लखनऊ के अंदर है, ठीक है। हमें क्लोज मिलते हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश, जमुना, वो जामुन स्टोर जो था हमारा, उन सारी चीजें के लिए लखनऊ स्टेशन, ठीक है। दो तीन इंग्लिश वर्ड्स भी यहाँ पे इस्तेमाल किए गए थे, ठीक है। तो हमारे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हो गया है, ठीक है, समरी हो चुके हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हो चुके हैं। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए। वीडियो पे हम टारगेट रखते हैं हमारी 10 लाइक्स का, 10 नहीं तो चलो 8 लाइक्स करवा दो, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट गाइस, पैकअप करो भाई।
अब देख सकते हो मेरा स्ट्रगल, दिखाऊं आप लोगों को, मुझे ना इतनी सारी तारे मुझे ना लगी, अरे बहुत स्ट्रगल है, सर्दी में लगती भी बहुत जोर से। अब देखो मुझे बड़ा संभल के आना पड़ता है यहाँ पे वापस। चलो बाय गाइस।